कंसाइज है काफी, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि किताब के अंदर चीजें जो है ना बड़ी बड़ी बारीक बीनी से लिखी गई है। तो अगर कोई चीज बहुत ही बारीकी से लिखी गई हो तो उसको समझने के लिए आपको उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब पढ़ने का तरीकेकार बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट सिनेरियोज आपको बताता हूँ ताकि आप वो सिनेरियोज देख लें, और उसके बाद जो है वो हम आप लोगों को आज का जो काम है आपके लिए जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि आपको किताब पढ़नी है। ये तो आपके पास क्या खुला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कोलैब कहाँ चली गई भाई, ये तीन चीजें होनी चाहिए, सही है। तो सबके पास किताब रेडी है और सब लोग जो है वो पेज नंबर 26 के ऊपर इस जगह पे पहुंचे हुए। अगर कोई नहीं है तो वो बता दे ताकि मैं रुक जाऊं, वरना फिर हम आगे चले फिर तो वो ढूंढते रहेगा किताब। कराची के पानी का अच्छा जी, तो एवरीवन इज रेडी, शुड आई स्टार्ट? चार यस कुछ अच्छा सर सही है। अभी मैं कोलैब के ऊपर नहीं हूँ लेकिन आपके पास कोलैब होने चाहिए। अभी हम जो है टेक्स्ट एडिटर पर है, इसमें देखें आपको सबसे पहले किताब पढ़नी है और किताब पढ़ने के बाद इसमें से जो जो काम की चीजें हैं उनको कॉपी करके और उनके साथ कमेंट करके आपको टेक्स्ट एडिटर में कॉपी भी करना है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। मैं आपसे एक सिनेरियो ले रहा हूँ और वो सिनेरियो ये है कि आप एक शॉपिंग मॉल के ऊपर है, ठीक है, अच्छा सा शॉपिंग मॉल देखते हैं। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर? गुड, यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे शॉपिंग मॉल है, आप इसके मेन गेट पे खड़े हुए हैं एक तरह से, सही है, और आपको एक सेलफोन खरीदना है और आप जो भी फैसला करेंगे वो अपनी जहानत से करेंगे, जज्बात से नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपका जो फैसला होगा वो क्या होगा, आप इस मोबाइल माल के अंदर जो है वो हम ये इज्यूम कर लेते हैं कि 50 शॉप्स हैं इसमें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करेंगे इस मोबाइल मॉल में जाने के लिए, मतलब जाते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी दुकान में जाएंगे, जिसका नाम पहले से पता होगा, क्या कह रहे हैं? जिसका नाम पता होगा, मशहूर होगा। नाम आपको नहीं पता ना, सब फर्ज कर लेते हैं, नाम नाम नहीं पता आपको, यानी
नहीं है, मॉल के अंदर सब दुकानें मौजूद है, लेकिन आपको अभी नाम नहीं पता जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी। अट्रैक्टिव के लिए तो आपको दुकान पे जाना पड़ेगा ना सर, जो सबसे पहले वाली होगी, ठीक है, ऑथराइज्ड डीलर होगा, ऑथराइज्ड डीलर सारे हैं। तभी प्राइस इसके ऊपर कम होगी, ये कैसे पता करोगे, ये मुझे बताओ। देखो आप लोगों को जिस ब्रांड का हमने मोबाइल लेना है उसकी शॉप ढूंढेंगे। अच्छा अब मसला ये है, सब में सब मोबाइल मौजूद है, सबसे पहले पे सबका सर्वे कर लेंगे, सबको एक दफा चक्कर लगा के सबको चेक कर लेंगे, फर्स्ट वाले पे चले जाएंगे। अच्छा देखो ज्यादा पहले मेरी बात सुन लो, होता यह है कि हम अक्सर लोगों की बात नहीं सुन पाते, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है, हम अपने कस्टमर की बात भी नहीं सुन पाते। उसका नतीजा क्या होता है कि वो कुछ बोल कुछ और होता है, हम उसको डिजाइन कुछ और बना के दे रहे होते हैं। उसने कहा कि भाई मुझे जो है ना वो जो है वो अपने कुत्ते के लिए घर बनवाना है, उसका डिजाइन बना के दो, हम उसको जो है वो ऐसा रूम बना के देते हैं जिसमें वो खुद सो सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। आप इस मोबाइल माल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब आपको 50 दुकानें हैं, ये आप इन 50 दुकानों के अंदर आपको अपने रिक्वायर्ड सेलफोन जो है वो सर्च करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब वन बाय वन आप लोग जो है वो मुझे अपने आंसर देंगे, ठीक है, ताकि मैं उसके हिसाब से बता दूं। हाँ जी, पहला क्या आंसर दिया था किसी ने मुझे, कि वो सबसे मशहूर दुकान जाएगा, लेकिन मशहूर दुकान जाने के लिए ढूंढना तो पड़ेगा वो मशहूर दुकान है कहाँ, उसको कैसे पता लगी मशहूर दुकान है। लेकिन मैं इसको भी देख लेता हूँ, मैंने इसको भी कर लिया कि ये आप असल में मोस्ट फेमस शॉप, चलो ठीक है ये भी कर लिया। अब आप मुझे बताएं फर्दर कि आप क्या करेंगे। एक आंसर तो ये है कि भी सबसे मशहूर दुकान पे चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको यही नहीं पता कि दुकान वो है कहाँ पर और मशहूर कौन सी है, तो क्या करेंगे। अब आप मुझे बताएं, आंसर देना शुरू करें। सर कोई बाहर जो जिसकी आउटलुक बहुत अच्छी लग रही होगी। ये देखो मसला ये है कि आप बाहर खड़े होकर, तो खड़े खड़े यहाँ पर खड़े में अगर दरवाजे पे, ये तो अभी अपने बहुत दूर से तस्वीर खींची है ना, अगर आप दरवाजे पे खड़े हो तो आप दरवाजे पे तो एक सामने वाली दुकान देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे सामने वाली पे जान पहचान वाली के पास, जान पहचान वाली जगह, ठीक है, जान पहचान वाली भी आ गई। और आगे जाए आप मसला, सबसे पहली वाली का मतलब क्या है, दुकान नंबर वन या आपकी दुकान जो सबसे सामने है या दुकान नंबर सबसे सामने क्या आप पहली दफा मॉल में जा रहे हैं, यानी पहली दफा का मतलब यानी ये माल आपने देखा नहीं हुआ, यानी अस्सुम करना है कि माल पहले कभी ये वाला माल हमने माल देखा हुआ नहीं है, हम पहली दफा शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, काफी दिनों के बाद जा रहे हैं ना। और जैसे अभी कहा भाई मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुझे तो मोबाइल खरीदना था तो मेरी जान पहचान नहीं है। भीड़ सबसे कम होगी, जहाँ कस्टमर सबसे कम होंगे, जहाँ बात की जा सकती है, सुनी जा सकती है। आपका डिसीजन जो है ना वो सबसे पहले मुझे बताओ गेट पे क्या डिसीजन होगा। आप किसी दुकान पर पहुंचेगे नहीं तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहाँ भीड़ है या नहीं, ये मेरी बात सुन रहे ना। तो आपको ये बताना है कि जब आप दुकान के मॉल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो सबसे पहली दुकान कौन सी होगी, सबसे सामने वाली, ठीक है, या सबसे पहली और या सबसे आखिरी। लेकिन फैसला सही होने का कुछ पता नहीं। आप लोग, मैंने आपसे कहा था कि आप फैसला करेंगे जहानत से, जज्बात से नहीं। आप जितने भी जो डिसीजन अभी तक ले रहे हैं वो जज्बात से ले रहे हैं, इस चीज को आप मजाक समझ रहे हैं। तो हम अभी सर आप उधर से किसी से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे मेन डोर के ऊपर, जहां कम होगी, जहां गूगल पे सर्च करके जाएंगे। सर हम मोबाइल के फीचर्स के अकॉर्डिंगली शॉप को सर्च करेंगे और शॉप का ना फीडबैक भी देखेंगे जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। मेरे भाई आप शॉपिंग मॉल पे खड़े हुए हैं, आप किसी दुकान में जाए बगैर ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो दुकान अच्छी होगी या नहीं होगी, वहां भीड़ होगी, एंटर होंगे तो पता चलेगा ना। आप गार्ड से चले जाएंगे, गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है, उससे पूछेंगे कौन सी अच्छी दुकान है। सर एक तो हम गूगल पे सर्च करके जाएंगे उस मॉल के बारे में। गूगल पे सर्च नहीं कर रहे ना हम, गूगल पे दुकान ही से शॉपिंग मॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सी दुकान पे क्या है। हम ये सोच के जाएंगे कि सारा सर्वे कर लेंगे, सब चक्कर लगाकर सब दुकानों को पहले वैसे तो चार्ट बनाना पड़ेगा, हर दुकान को
हर दुकान को जाके देखना पड़ेगा, इसमें ये है, इसमें ये मोबाइल है, इसमें ये नहीं है, तो आपको पता होगा इसमें 20 दुकानें हैं और मेरी मर्जी की चीज किन किन दुकानों पे मिल सकती है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा रिजल्ट बात है वो मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव ज़हालत वाली लग रही है कि जी हम जो है वो मेरे ख्याल से मुझे सेलफोन की जगह जो है बहुत सारे लोग परेशान है, मुझे सेलफोन की जगह करने जाए कि आप अपने लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे अगर आपको सेल फोन इस मॉल में नहीं जाएंगे किसी और मॉल। अच्छा किसी और मॉल में चले जाते ना, तो कौन से मॉल में जाएं? डॉलमैन मॉल में चले सर। चलो ठीक है, डॉलमैन मॉल में आ गए हैं आप। ठीक है, ये आपका डॉलमैन मॉल है, फर्स्ट कर ले इसी फ्लोर पे जाना है, यहाँ पर सब जगह कपड़े की सेल लगी हुई है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि आपकी पसंद का ड्रेस जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो राइट के ऊपर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ खड़े हुए अब मुझे बताएं सर, एक एक दुकान पर जाके चेक करेंगे। कौन सी दुकान पर? एक एक, एक दुकान पर जाके चेक करेंगे, फर्स्ट से लेके एंड तक। ठीक है, तो आप देखें अब रिदा जो है ना वो फैसले जहानत से कर रही है, सेलफोन के अंदर वो जज्बाती थी लेकिन अब उन्होंने जहानत से पता किया कि एक एक दुकान में जाएंगे। तो रिदा मुझे बोला था, मैं आपसे कह रहा हूँ रिदा, आपको दुकान जो है वो एक से लेकर 50 तक नंबर की दुकानें हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट से शुरू हो रही है, लेफ्ट वाली जो है 1 है और आखिरी वाली जो है वो 50 है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे, 50 वाली पर या 1 वाली पर? सर 1 वाली पे जाएंगे। 1 वाली पे जाएंगे। अच्छा चलो रीता तो 1 वाली पे चलेंगी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग कहाँ खड़े हैं? यही खड़े रहेंगे बस, बिल्कुल सामने होगी उस पे जाएंगे। जो भी दुकान आपके सामने आप बिल्कुल जा नहीं सकते, देखो बीच में ना एक जगह है, नीचे गिर जाएंगे आप, तो यू हैव टू चूज फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। सर राइट करने गया, लेकिन मैं आपका हम बार बार से देखेंगे सर, इंडिपेंडेंट है सर, जिस मर्जी दुकान पे चले जाए हमने सारी दुकान ही चेक करनी है, सारी दुकान चेक करनी। लेकिन ये मुझे बताओ कि सबसे पहली दुकान कौन सी होगी? सर हम पहले बाहर से देखेंगे जिसका डिस्प्ले सबसे अच्छा होगा उस दुकान पे जाएंगे। वो पहली दुकान कौन सी होगी? किसी जो सीक्वेंस के तहत, ताकि कोई भूल ना जाए कि कोई दुकान मिस ना हो, सीक्वेंस को फॉलो करें। पहली दुकान नंबर 1 इज नंबर 1। चलो मैं ये भी आपको अलाउ करता हूँ कि आप सामने वाली दुकान पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास चॉइस है, आपके लिए सीक्वेंस फॉलो करना लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप मुझे अपनी मर्जी बताएं आपके लिए पहली दुकान कौन सी होगी, क्या दुकान नंबर 1 होगी या दुकान नंबर लास्ट होगी या बीच वाली दुकान होगी, आप ये पहली दुकान कौन सी चूज करेंगे? सर जो चीज लेनी है हमें उसका पता करेंगे, ये कौन कौन सी शॉप से मिलती है जो सबसे पहली होगी, मैं वहीं जाके लेके आ जाऊंगा। पसंद होगा ना जिस ड्रेस का हम पहले पहनते हैं, जो लास्ट वाली के ऊपर। यार आप मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आप लोग आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब भी इस मॉल के अंदर जाएंगे पहली दुकान कौन सी होगी, पहली वाली दुकान यानी लेफ्ट से वाली पहली होगी, राइट से पहली होगी, या आप कोई बीच वाली दुकान चूज करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली ऑन द राइट साइड, लेफ्ट से पहली। उसूल ये है कि अगर आपको रास्ते का नहीं पता तो आपको हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए। चलो ठीक है, आपकी मैं उसूल की बात नहीं कर रहा यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप उसूल मुझे मत बताएं, मुझे आप अपनी बात बताएं कि आप कौन सी दुकान पे जाना चाहेंगे। पहली बार जिस भी लॉबी में पहुंचेंगे सर, जिस भी लॉबी में पहुंचेंगे उधर से जो भी फर्स्ट होगी, जो भी आपके सामने पहली आएगी, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस चाहे आप राइट से पहुंचे चाहे लेफ्ट से पहुंचे, सर ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस इंट्रैक्शन अच्छी लगेगी। लेकिन भाई मुझे यह बताओ, यहाँ से खड़े खड़े आप इतनी दूर से कैसे देखोगे? आप पहले पहुंचोगे दुकान के सामने। जैसे एक बंदे ने मुझसे कहा कि हम हर दुकान के सामने जाएंगे और देखेंगे कि हमें बाहर से वो कैसी लग रही है, जो हमें बाहर से अच्छी लगेगी उसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको हर दुकान पे जाना है ना। सर जो शॉर्ट डिस्टेंस में होगी सबसे पहले उसी पे जाएंगे। ठीक है, सही है, बात समझ में आ गई, सही है। अब उसके बाद कौन सी दुकान पे जाओगे जो उससे भी ज्यादा करीब हो उस दुकान के बाहर? इसके बराबर वाली पे चलेंगे। बिल्कुल बराबर वाली पे चले जाओगे, एक दो दुकानें छोड़ के जाओगे? बिल्कुल बराबर वाली पे। सर जब फर्स्ट विजिट हो जाएगा सर, उसके बाद तो डिसीजन आप पर है ना कि आपने किस तरह जाना है, यानी कि आपको अगर रिक्वायर्ड आपके आइटम जो है वो। हाँ जी, मेरा डिसीजन छोड़े, आप अपना बताएं, आप पहली दुकान पे गई। मेरा मकसद यही है कि जो भी जा रहा है, यानी कि जो भी पहली दुकान पे गई, एक वहाँ पे आपको ड्रेस अच्छा लगा, ठीक है, वो 4,000 रुपए का ड्रेस है, अब आप बताएं अब आप क्या करेंगे? सर अगर तो लेना है तो ले लेंगे, नहीं लेना तो फिर हम नेक्स्ट किसी भी अगली उसी से रिलेटेड जो भी जिसका डिस्प्ले में हमारे पास डिजाइन रिक्वायर्ड होगा। आप जो है वो
मुझे बताएं, जनरली आप ऐसा करती हैं, पहली दुकान में जाती हैं और जो ड्रेस पसंद आता है उठा के ले आती हैं? नहीं नहीं सर, सर जो सबसे सस्ती हो। सर अपना बजट ही तो देखना है ना सर, पूरी चेक करेंगे उसमें से फिर जो अच्छी अच्छी लगेगी उस पे जाके दोबारा ले लें। आपने कहा था कि मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन आप उसके लिए मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, अपने माइक जरा म्यूट कर दें बात करने के बाद। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके बेस के ऊपर आपकी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, तो इसको आप सीरियस लें बहुत। मेरा ये आपसे सवाल है सब लोगों से कि अगर आप पहली दुकान में चले गए हैं और आप पहली दुकान के बाद, क्या आप दूसरी दुकान में जाएंगे या पहली दुकान से खरीद के आ जाएंगे? सबसे पहले ये बताओ। नो सर, हम पहले अपनी मनपसंद की जो शॉप होगी उसको हम सर्च करेंगे। देखें, मेरे पास, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे जज्बाती बयान मत बताए, इंटेलिजेंस। अब ये मनपसंद क्या होता है? सर हम सर नहीं, अगली दुकान को भी चेक करेंगे, अगली दुकान। मेरा सवाल ये है, तब तक चेक करेंगे। देखो यार, मैं आप लोगों को, मैं आपको अपनी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं इसीलिए छोटी छोटी बातों को ना, पाकिस्तान में जहानत इसीलिए भी कम है कि आप लोग, जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे जो है ना अपने लिए एक शर्ट ले ली है, ठीक है, तो मैं इस आऊंगा और इसमें मैं चूज कर लूंगा, मैं राइट से लेफ्ट भी जा सकता हूँ, लेफ्ट पे जाए तो मेरे लिए सबसे पसंदीदा चीज ये है कि मैं हर दुकान के सामने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे बाहर से वहां पर कोई शर्ट नजर आ रही है नहीं आ रही। इसके लिए मैं दुकान नंबर वन पे जाऊंगा, दुकान नंबर वन के बाद फिर दुकान नंबर टू पे जाऊंगा, फिर दुकान नंबर टू के बाद दुकान नंबर थ्री पे जाऊंगा और हर दुकान से मैं कोशिश करूंगा कि मैं पता करूं कि वो शर्ट कितने की है, वो कलर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, वो साइज मेरे लिए अवेलेबल है नहीं है, ये सब चीजें मैं जाऊंगा। ये मेरे क्राइटेरिया है, मतलब मैंने पहले से सोचा हुआ है कि यार मुझे जो है ना वो ब्लू कलर की शर्ट लेनी है नंबर वन, और मुझे इतने पैसों की तक की शर्ट लूंगा। मिसाल के तौर पर मैं पहली दुकान पे गया, पहली दुकान के ऊपर उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई शर्ट 5,000 रुपए की है, और मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं 2,000 रुपए से ज्यादा महंगी कोई शर्ट नहीं लूंगा, तो मैं इस दुकान के निकल के इसके बराबर वाली दुकान में चले जाऊंगा। बराबर वाली दुकान में जाने के बाद सबसे पहला जो मेरा डिसीजन होगा वो ये होगा कि क्या वो शर्ट जो है वो मुझे 2,000 रुपए की दे रहा है। अब मैंने उस दुकान में सर्च किया, वहां पर कोई भी ऐसी शर्ट नहीं थी जो 2,000 रुपए की थी, सही है, मैंने उस दुकान को छोड़ दिया। अब अगली दुकान पे गया, मैंने जाकर वहां पे चेक किया कि वहां पे शर्ट 2,000 रुपए की है, ठीक है, और ब्लू कलर की शर्ट भी है, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं बराबर वाली दुकान पे जाके देखता हूँ, क्या बराबर वाली दुकान में हो सकता है 1,800 रुपए की शर्ट हो ये ब्लू वाली, या इससे मिलती जुलती ब्लू वाली, तो मैं बराबर वाली दुकान पे गया, फिर मैं उसके बराबर वाली दुकान पे गया, उसके बाद बराबर वाली दुकान पे गया। ये शुरू की 5 दुकानों के बाद जो है मैंने जो है वो बहुत सारी दुकानें स्विप की, और उसके बाद जो है 5 के बाद जो है वो 15वीं दुकान पे चला गया। 15वीं दुकान पे जाने के बाद मैंने चेक किया, मतलब मैंने ये ज़ूम कर लिया कि अगली 10 दुकानों में यही वाले रेट और यही वाली चीज होगी। फिर मैं 15वीं दुकान पे गया और 15वीं दुकान पे जाने के बाद जो है मैंने चेक किया कि वहां पर शर्ट कितने की है और वहां पर जो है वो मेरी जो रिक्वायर्ड शर्ट है वो रिक्वायर्ड प्राइस में है या नहीं है। मुझे पता लगा कि वहां पर शर्ट जो है वो 1,700 रुपए की है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे चले गए, फिर मैं आगे गया और मैंने आगे जाने के बाद जो है वो एक और दुकान पे देखा, फिर एक और दुकान पे देखा, तो मैं जो हूँ वो 25वीं दुकान पे जाकर रुक गया और 25वीं दुकान पर मैंने डिसीजन ले लिया कि यार अब जो बेस्ट शर्ट थी ना वो मैंने यहीं से लगी, मैंने अगली 25 दुकानें छोड़ दी है। हो सकता है कि अगली 25वीं दुकान के ऊपर मैंने जो है वो शर्ट जो है वो 1,700 रुपए की अपनी आखिरी दुकान से सबसे सस्ती मिल रही थी, वो 25वीं दुकान नहीं थी, वो 2-3 दुकानें पहले थी, तो वापस पीछे गया 2-3 दुकानों पहले और 2-3 दुकानों के बाद जाकर मैंने 1,700 रुपए की शर्ट ले ली। मैंने अपना जो पूरे के पूरा डिसीजन था उन 50 दुकानों में से 25 दुकानों पे ले लिया, मैंने 50 दुकानें छोड़ दी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर, हो सकता था ना कि अपना एक्सपीरियंस बताएं। आप लोग जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि इंसान को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस बता देंगे सर, मैं जब कोई शर्ट लेने जाता हूँ या मैं अपने लिए कोई ड्रेस लेने जाता हूँ तो मैं इस तरह लेता हूँ, बात खत्म हो गई। सर वो भी कोई ड्रेस लेने जाना होता तो उस गैलरी में जाके जो सबसे पहली शॉप होती है उसमें एंटर हो जाते हैं, अगर वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके नेक्स्ट में चल जाते हैं। अगर फर्ज करें, मेरा सवाल है आपसे, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, अगर फर्ज करें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई चीज मिल रही है तो क्या आप वहीं पर रुक जाएंगे या 1-2 दुकानें और देखेंगे कि हो सकता है कोई अच्छी चीज मिल जाए? सर हम 1-2 दुकानों पे जाएंगे ताकि हमें उससे अच्छी चीज मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर देखो हम नहीं बोले, मैं बोले, यानी कि आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी लोगों के लिए डिसीजन नहीं दे रहा, आपको सिर्फ अपना डिसीजन ये बता रहे हैं कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। आप मुझे सिर्फ अपना डिसीजन बताएंगे, आप क्या करेंगे, आप 2-3 दुकानें कितनी दुकानों के बाद आप अपना फैसला कर लेंगे? सर अमूमन जिन चीजों को ऑलरेडी यूज करते हैं उनमें से एक, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताओ मुझे।
अमूमन नहीं, आप क्या करते हैं, आप अगर आपको कोई ड्रेस लेना होता है तो आप क्या करते हैं, आप पहली दुकान पे जाते हैं, उसके बाद कौन सी दुकान पे जाते हैं? सर पहली दुकान पे क्या, वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मिल गई है मेरी फुलफिल, अगर मिल गई है, अगर मिल गई है तो क्या करें? अगर मिल गया है तो उसको मैं पेंडिंग पे रखता हूँ, एक दो प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, उन दोनों में से जो बेस्ट लगती है वो ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मार्केट में 50 दुकानें हैं तो आप मैक्सिमम कितनी दुकानें सर्च करेंगे? सर मैक्सिमम 7-8। 7-8 करेंगे अगर रिक्वायरमेंट मिलती है तो, नहीं तो और उसमें से जो बेस्ट आपको मिल जाएगा वहां से आप चूज कर लेंगे ना। मैं कोशिश करूंगा कि पहले सबसे बड़ी दुकान देखूंगा उसकी प्राइस क्या है, फिर मीडियम साइज की। तो आपको हर दुकान के सामने जाना पड़ेगा ना, जो रफली मुझे सामने नजर आ रही होंगी, सबसे बड़ी मीडियम साइज और सबसे छोटी। मैंने आपको पहले वैसे भी कहा था, इसके अंदर मैंने ये बताया दिया था कि ऑल शॉप्स ऑल इक्वल इन साइज एंड ऑल हैव सेल फोन्स, ठीक है? तो इसमें आप सेलफोन को हटा दें लेकिन साइज सबका एक है। अब आप क्या करेंगे जिसकी डिकोर जो है ना, ऑब्जेक्शन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ऐसे देखूंगा जिसकी डिकोर सबसे ज्यादा हुई होगी, जिसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे अपने डिकोर पे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे कम देखिए आपको, आपको अपने लिए ड्रेस लेना है, उससे ये होगा कि अगर आपको अपने लिए कोई ड्रेस लेना है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके लिए ड्रेस लेना है तो आपके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट क्यों होनी चाहिए कि उसकी उसने सजाया हुआ है, चीजें सजाई हुई हैं, उसने गुब्बारे लगाए हुए हैं, क्या ये आपके लिए वैल्यू होना चाहिए? मैंने आपसे पहले कहा था कि आपका जो फैसला होगा वो इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर होगा, इमोशन वही बताने लगा था कि पहले एसएन को बात करने दें। मैं ये कहने लगा था कि एक ऐसी शॉप जिसने डिकोर ज्यादा पैसा खर्च किया उस पे उस चीज की प्राइस कितनी है, फिर एक मीडियम वाली पे, और एक जिसने सबसे कम पैसा खर्च किया। सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे आप? जिसकी मुझे यानी छोटी भी हो सकती है। मैंने तीन सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? मैंने टाइम देखना है कि मेरे पास कितना टाइम है, उसके लिहाज से मैंने एक सबसे छोटी सस्ती दुकान जो लगेगी मुझे वो। भाई मुझे दुकानें 50 दुकानें हैं, सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे आप ये ज़ूम कर रहे हैं कि आप जो है वो एक बहुत बड़ा कैमरा है, उससे आप सबसे पहले देख लेंगे कौन सी दुकान छोटी है कौन सी बड़ी है। आपको ये सारे डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसके लिए किसी न किसी दुकान के करीब तो जाना पड़ेगा ना, कम से कम। मतलब इस तस्वीर के अंदर मैं ये जो दुकान है पहली दूसरी तीसरी, इस दूसरी दुकान के बाहर खड़े बगैर ये कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये दुकान का डिकोर अच्छा है या नहीं है? हिना आप क्या कह रही है? हिना की बात सुनते, हिना आप क्या कह रही है? जो आप कह रहे हैं ना कि आप उसके सामने जाएंगे तो शॉप्स आपको एक ही व्यू में आपको बहुत सारी शॉप्स का पता चल जाता है, आपको सेकंड लगता है कि कौन सी बड़ी शॉप है कौन सी छोटी है। मैं बड़ी शॉप में कह रहा हूँ सबकी साइज एक है जी सर। मतलब सर मेरा ख्याल है कि देखें ये जितने हम शॉप्स पे जा रहे हैं ना, बेसिकली ये बेसिकली नंबर ऑफ डेटा है हमारा, तो हम जो है जो यार देखो अपने एक्सपीरियंस शो करो, मुझे फैसला मत बताओ। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको आप क्या करना चाहिए। आप एक किसी अगर आपको कोई ड्रेस खरीदना है, कोई शर्ट खरीदना है, तो मुझे बताओ कि आप क्या करते हो, मुझे ये बताओ कि क्या होना चाहिए। सर हम ऐसी शॉप पे जाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करती है। सबसे पहले कौन सी शॉप पे जाओगे? सर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगी। आपको शॉप पे जाए बगैर कैसे पता लगेगा कि वो शॉप आपकी मीट करती है? पहले रैंडम ही जाना पड़ेगा सर। सबसे पहले सब ब्रांड है, मैं शॉप पे जाएंगे। ये सारी दुकानें मैं सर सबसे पहले कोई भी यानी कि रैंडमली राइट साइड से कोई फिफ्थ रैंडमली जाएंगे ना। मतलब अभी तक जो आपके जो डिसीजन है यहाँ पर वो यही है ना कि भाई आप सबसे पहले चूज करेंगे रैंडम शॉप। कुछ लोगों ने कहा फर्स्ट शॉप, यही कहा है ना आपने अभी तक? यस सर। जैसे कि मैं अगर रैंडम को पिक करता हूँ, मैं शॉप नंबर 5 को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं उस लिहाज से उसकी प्राइस से इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि अच्छा इससे अच्छा। पीछे शॉप्स होंगी उनकी प्राइस कितनी होगी, इससे अपवर्ड मैं अगर थोड़ा सा जाता हूँ तो उससे अंदाजा हो सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, अभी कर रहा हूँ। लेकिन देखें आपने क्या किया है कि पिछड़ू की 5 शॉप छोड़ दी है और सबसे पहले आपने स्टार्ट किया 5वीं शॉप से, ठीक है? ये सवाल हो गया आपका, यहाँ पे सही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पहली शॉप से गए, उसके बाद आपने कहा आप एक उससे आपने प्राइस पता किया, उसने कहा शर्ट की जो प्राइस है वो 1500 रुपए है। आप उससे ये अंदाजा कैसे लगा रहे हैं कि पिछली वाली में जो है वो 1600 रुपए की होगी या 1400 रुपए की होगी, जब तक आप पिछली वाली से कंपेयर नहीं करेंगे उसको? मैं ये करूंगा
कि जो जहां पे ज्यादा रश लगा होगा सामने जो ऑब्वियसली जो नजर आ रही है उधर से पता करूंगा, और ऐसी जगह जहां पे सबसे कम ग्राहक जाते होंगे लास्ट में कहीं पे होगी, मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकूंगा। लेकिन इसके लिए तो आपको उस दुकान के सामने जाना पड़ेगा ना, ताकि पता लगे कि उसमें रश है या नहीं है। रैंडमली विजिट कर लेंगे पांच-पांच। रैंडमली विजिट क्या होता है बताओ सर, रैंडमली विजिट क्या होता है? सर किसी भी शॉप में मेरे पास एक से लेकर 50 तक शॉप है। सर शॉप नंबर 5 पे जैसे मैं गया उधर से जाके रैंडमली सबसे पहले किस शॉप में, मुझे कहता है कि ये 1700 की है, तो मैं उसको एमवी कह देता हूं पिछला तो यार 1500 की दे रहा था। मैंने आपसे फिर कहा ना कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप कौन सी शॉप पे जाओगे, एक से लेकर 50 तक, आप ये मुझे बताओ कि आप पहली शॉप पे जाओगे, आखिरी पे जाओगे या कोई रैंडमली चूज करोगे? सर रैंडम डिस्प्लेस देखेंगे, अगर डिस्प्ले में अपनी मकसद की चीज है तो उस दुकान में दाखिल हो जाएंगे, नहीं है तो फिर इसी तरह आगे यार। आप लोग जो है वो जिद पे क्यों उतरे हुए? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ भाई, आप सब दुकानों पे जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, आप किसी दुकान के सामने या करीब जाए बगैर ये कैसे दूर से अंदाजा लगा लोगे कि उसका डिस्प्ले अच्छा है? सर ऑब्वियसली दुकान के करीब जाके ही डिस्प्ले देखेंगे। हाँ तो सबसे पहले कौन सी दुकान के करीब जाओगे? सर सबसे पहले दुकान पे करीब होगी जो सबसे करीब, एक से लेकर 50 तक दुकान है, मुझे बताओ कौन सी दुकान पे जाओगे आप मेन? सर सबसे पहले सर 1 नंबर दुकान पे जाएंगे, अगर वहाँ पे ड्रेस मिलते हैं, ड्रेस नहीं मिलते तो दूसरी पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर फर्ज करो पहली वाली पे, मैं आपसे ये सवाल ये कर रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे, अगर पहली वाली दुकान पे ड्रेस मिल रहा है 1700 रुपए का तो आप अब क्या करेंगे? सर अगर 1700 का मिल रहा है तो हम नेक्स्ट दुकान पे जाएंगे, नेक्स्ट दुकान पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दुकान पे जाने के बाद वहां पर ड्रेस जो है वो 1600 रुपए का मिल रहा है, अब क्या करोगे? सर वो 1700 को 1600 से कंपेयर करेंगे, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। अच्छा सर मैं एक और अच्छा मेरी बात सुन लो ना, देखो मेरा सवाल का ना जवाब दो, टेंशन मत लो। आप पहली दुकान पे गए, वहाँ ड्रेस 1600 रुपए का था, उसके बाद आप दूसरी दुकान पे चले गए, वहाँ पे 1600 रुपए का, अब क्या करोगे? अच्छा आप तीसरी दुकान पे गए, तीसरी दुकान के ऊपर भी ड्रेस 1600 रुपए का, अब क्या करोगे? सर तीनों की क्वालिटी चेक करेंगे, तीनों क्वालिटी इक्वल है, क्वालिटी इक्वल। फिर चौथी पे जाएंगे, पांचवी पे जाएंगे, छठी पे, सारी, फिर जब तक के 50 पे नहीं जाएंगे हम एक वाइज डिसीजन नहीं कर सकते। एहसान रिजवी साहब आप मुझे ये बताएं कि आप अपना फैसला बताएं ना, अब आप क्या करेंगे? मैं तो क्या आप 50वीं दुकान तक जाएंगे या 10 के बाद फैसला कर लेंगे? जाएंगे अगर 10 के 10 में 1600 रेट हुआ तो फिर हम ये डिसीजन कर लेंगे कि ये 1600 रुपए रेट ये जो सारी पूरे मॉल में है, तो फिर उसी हिसाब से हम किसी भी दुकान से ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ अच्छा इसका मतलब है रिजवान की बात जो है, मैं रिजवान ने बात जो की है वो क्लियर कट की है, उसने कहा कि भाई शुरू की 10 दुकानों पे जाऊंगा और मैंने पहली दुकान पे देखा 1700 है, दूसरी पे देखा 1600 है, तीसरी पे भी 1600 है, चौथी पे भी 1600 है, पांचवी पे भी है, छठी सातवीं के बाद में समझ लूंगा कि यार आगे सबके पास 1600 ही है, अब मैं 50 की दुकान तक नहीं जाऊंगा। मैं ये कर सकता हूं कि एक से पांच तक जाऊंगा, फिर दसवीं पे जाऊंगा, फिर 15वीं, 20वीं, 30वीं, 40, 50, तो मुझे 10 दुकानों पे ही जाऊंगा, लेकिन एक दूर वाली और करीब वाली सब आप हर दुकान के बाद 4 दुकानें छोड़ देंगे, एम आई राइट? पहली 5 जाऊंगा लगातार, फिर उसके बाद 10, फिर 15, 20, फिर 30, फिर 40, 50। शुरू की 4 दुकानें आप देखेंगे और उसके बाद जो है वो 10वीं बीच बीच में गैप कर देंगे। ठीक है सही है, बात समझ में आती है। अच्छा अब मेरा सवाल था सब लोगों के साथ, इसमें हमने पहली जगह पे मुझे 1700 मिला, फिर 1600, फिर 1600, फिर 1600, फिर 1600, अब मुझे मिल गया 1500, अब मैं क्या करूंगा सर? फिर उससे अगली वाली दुकान पे जाके चेक करेंगे, अगर उधर भी 1500 है तो फिर उससे अगली वाली पे देखेंगे, क्या पता हमें 1400 भी मिल जाए, लेकिन अगर 5-6 दुकानें विजिट करने के बाद हमें 1500 रेट ही मिल रहा है तो फिर हम 1500 वाली को सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम वेस्ट करने से बेहतर बस अब ले लें। चलो एक और सिनेरियो में आपको देता हूँ, आप जो है वो मंसूर जरा चैट देखते रहे ना, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनकी। अब आपको जो है सेलफोन जो है वो ऑनलाइन लेना है,
ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं रिव्यूज देखूंगा उसके। रिव्यूज के लिए तो आप कौन सा रिव्यू दोगे मुझे बताओ ना यार। यहाँ पर आप मुझे बताओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। मेरे पास ये मोबाइल फोन है, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं देखूं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मुझे किस ब्रांड का परचेज करना है, ठीक है? आप अपना बताएं ना, मुझसे पूछ रहे सवाल, मुझे आप बताएं आपको सेल फोन लेना है, कौन सी ब्रांड का लेना है? 20,000 रुपए तक आना चाहिए, 20,000 रुपए तक का आना चाहिए। अगर 20,000 तक आना चाहिए तो सर फिर इन्फिनिक्स ले ले सैमसंग। हाँ नहीं, अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? सर इन्फिनिक्स सर्च करें, इन्फिनिक्स फोन, इन्फिनिक्स, ठीक है, इन्फिनिक्स। अब इन्फिनिक्स जो है वो यहाँ पर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे चेक किया, 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 यहाँ पे गया, तो मेरे पास इन्फिनिक्स आ गया, मैंने इन्फिनिक्स ले लिया। अब इन्फिनिक्स में मैं क्या करूंगा सर? उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे कि ये क्या आया, हमारी हमारी रिक्वायरमेंट है 6/28। मेरी दुकान, मुझे बताओ मैं क्या करूं सर? मुझे लेटेस्ट मोबाइल चाहिए तो मैं लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। एक एक फोन खोल के चेक करेंगे कि उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसमें अपनी रेंज सेट कर देता हूं, कहीं पर होती है भाई यहां पे कहीं रेंज सेट फिल्टर, ठीक है? या मैंने ऐसी देख लेता हूं, मैंने देखा इस वाली, इस वाली को देखा, मैंने इस वाली को देखा, इस वाली को देखा, इन सबको मैं देखता हुआ जा रहा हूं। मैं वही वाला वही है, देखो आप हैरान कौन बात यह है कि जब हम सेल फोन लेने जा रहे हैं तब भी हमारा बिहेवियर काफी मिलता जुलता है। मैं यहां से आगे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है? मैं 26 तक आ गया हूं, मैं आगे गया और आगे जा रहा हूं क्योंकि मुझे प्राइस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं मुसलसल आगे जा रहा हूं, देख रहे हैं आप लोग? मैं मुसलसल आगे जा रहा हूं, जाते 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 मैं यहां पे आके रुक गया, ठीक है? और मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूं, मैंने इसको भी ओपन कर लिया और मैं इसको भी ओपन करूंगा, ठीक है? और मैं इसको भी ओपन करूंगा, सही है? तो मैंने क्या किया कि ये सारी दुकानों को सर्च किया और उसके अंदर जो है मैंने जब जहां पर मुझे अपनी प्राइस क्राइटेरिया मिल गया, मैंने जो है वो वहां पे जाकर इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करनी शुरू की। इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करूंगा और इसकी करूंगा, ठीक है? और इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करूंगा और इसकी करूंगा और इसकी करूंगा, और इसमें से इन पांच में से जो बेस्ट होगी वो मैं स्पेसिफिकेशन उठा लूंगा। सर हम और एक चीज तो बोले कि डिस्काउंट वाली बात, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा होगा शॉप में, नहीं मतलब शॉप ये यू समझे कि ये बाजार है और ये यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, सब डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? यस सर। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस है तो बताएं। सर हम जो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे पूछेंगे कि दी बेस्ट कौन सा था, आपको कौन सा ज्यादा सूटेबल? आप मुझे पूछ के बताएं, अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ या 5 मिनट दे रहा हूँ, अपने किसी रिलेटिव से कि कौन सा मोबाइल लेने चाहिए 20,000 रुपए तक। जब तक हम मॉल में थे वी डिड नॉट नो कि प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट किए 2 मोबाइल्स देखने के बाद लास्ट के 2 देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि नहीं, वहाँ पर भी थे, वहाँ पर भी देखें, मुझे जो है वो हमें पता लगा रहे, जब मैं पहली दुकान में गया वहाँ पर 1700 थे, दूसरी दुकान के अंदर गया 1600 थे, ठीक है, तीसरी दुकान के अंदर 1700 थे, चौथी दुकान के अंदर 1600 थे, पांचवी दुकान के अंदर भी 1600 थे, तो मुझे वहां पर भी ट्रेंड का अंदाजा तो हो रहा था ना। बट वो तो एब्रप्टली था ना सर, वही होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट है मेरी बजट, वो मैंने बता दी ना 20,000 रुपए बता दी ना, आप उसके आगे चलो ना। अब मैं 20,000 के अंदर रिव्यूज भी तो चेक किए जा सकते हैं ना, भी चेक किया था। ये दिस इज नाइस क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं कि आप इस डिटेल के अंदर गौर से देखिएगा, आप इस डिटेल के अंदर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ जो है वो रिव्यूज भी चेक कर रहे हैं, ठीक है? 2 चीजें होंगी, यानी स्पेसिफिकेशन भी होगी और रिव्यूज भी होगा, आगे चलते हैं। ऊपर ही थे रिव्यूज सर, तो बेसिकली ऊपर भी थे, चलो ठीक है। अपनी बजट के अंदर पहले इसको एक्वायर कर लिया, इसके अंदर जोन से भी मॉडल्स हैं उन सब के स्पेसिफिकेशंस देख के आपस में कंपेयर कर लेता हूं, जो बेस्ट है वो ले लूंगा, ठीक है? सही है। आपने क्या किया कि इस पे गए नहीं, आप मोबाइल फोन के ऊपर आए, ठीक है, और आपने जो है यहां पर प्राइस रेंज कहीं पे दे दी,
ठीक है, यानी कि आपने कहा कि भाई 15 से 25 के दरमियान, सही है? अब आप इसमें से क्या करेंगे? नॉलेज भी काउंट करता है कि उसकी स्क्रीन साइज क्या या उसकी रैम साइज क्या। अब मैं इसको देखूंगा उनके फिल्टर्स। यार मैं जो हूं ना थोड़ा सा, आप लोग जरा प्लीज, आप लोग जो है ना वो चीजों को समझें कि मुझे, मेरे पास नॉलेज है, अब मैं क्या करूं? सर अब ये मेरी बजट के अंदर आ गया, अब इसमें से मैं 5 साल फोन से पिक करूंगा। पहला कौन, देखो ये पहला मुझे बताओ, पहले वाले को क्या करोगे जो पिक करोगे उसके लिए? पहले वाले को तो यहाँ पे तो जाओगे, इसको इसकी स्पेसिफिकेशन या रिव्यू चेक करोगे या शुरू में छोड़ दोगे इसको? नहीं सर, इसकी मैं स्पेसिफिकेशन चेक करूंगा। करोगे, ठीक है, सही है, कर लिया। और उसके बाद वाले की करोगे या छोड़ दोगे? ऐसा छोड़ दूंगा। छोड़ दिया आपने। इसके बाद वाले की? इसको भी छोड़ दिया। इसको भी छोड़ दिया। आप मुझे रीजन बताएंगे क्यों छोड़ रहे हैं आप ये? सर क्योंकि सबसे पहला जो मैंने चेक किया ना वो सैमसंग का किया। अच्छा, तो ये वाला छोड़ दिया आपने क्योंकि इन्फिनिक्स है, ये वाला छोड़ दिया इन्फिनिक्स का, मतलब कोई भी इन्फिनिक्स का होगा छोड़ दोगे? सर क्योंकि सबसे मैंने पहला फोन चेक किया वो सैमसंग का किया, मैं सैमसंग के 4-5 फोन देखूंगा, आप उसमें कंपेयर करूंगा, उसके बाद किसी और ब्रांड पे जाऊंगा। आप इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप सिर्फ सैमसंग के फोन देखेंगे? आप शुरू में आपने कहा था मैं सिर्फ प्राइस के अंदर जाऊंगा, आपने पहले कुछ और बोला था और आप कुछ और बोल रहे हैं। पहले आपने कहा था कि मैं 4GB मिल रहा है, मेरी प्राइस के अंदर है ना 3GB है, रैम का भी तो फर्क है। हां लेकिन प्राइस का भी तो फर्क है ना सर? अगर हम प्राइस के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं तो सर उसके बाद हर एक का लोएस्ट और हाईएस्ट रेट के हिसाब से मैक्सिमम जो रेंज और मिनिमम रेंज उसकी स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर कर लेना चाहिए और रिव्यूज को फिर हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेना चाहिए। आप लेंगे सिंपल सिंपल बताएं कि मैं क्या करूं, ये मैंने सैमसंग को यहां पर खोल लिया है सर, अब मैं क्या खोलेंगे सर? सैमसंग को खोलने के बाद, हां जी इसको भी खोलेंगे और इसके बाद वाला, ये वाला सर ये सेम प्राइस पर है, ये नहीं खोलेंगे सेगा जो है ऐसे बात नहीं की वाला फोन है ये भी मतलब तकरीबन उसी रेंज में था, फिर जो है ये डिफरेंट ब्रांड है, ठीक है इसको भी खोलना खोलें खोलें खोल देंगे ठीक है। इसके बाद इस वाले को इसको नहीं खोल दे, नहीं खोल इससे नेक्स्ट वाले को खोल ले सर। हम सैमसंग को एक दफा चेक कर चुके हैं ना, उसका उसकी मैक्सिमम रेंज भी चेक कर चुके हैं, इस ब्रांड की भी कर चुके हैं, लेकिन प्राइस का तो फर्क है, रेंज दोनों को चेक करते हुए जाएंगे ना, प्राइस का तो फर्क है। प्राइस वही मैं कह रही हूँ ना, ब्रांड और प्राइस दोनों के हिसाब से हर एक ब्रांड की प्राइस। मुझे बताएं कि आपका ये जो सैमसंग गैलेक्सी A02S है जो कि 20,000 रुपए का है और ये वाला 24 का है, तो हम इसको अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे ठीक है, चलो इसको भी कर लिया। सर उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ही हमारी सेट नहीं है, जब मेरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी ना, मेरी रिक्वायरमेंट 20,000 का, मुझे 20,000 रुपए का फोन चाहिए और कौन सी रिक्वायरमेंट बताया मुझे बताया कि वो गोरी होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकेशन भी होती है ना कि हाँ हाँ बताएं मुझे। नहीं नहीं सर स्पेसिफिकेशन, सर रैम उसकी, उसकी हार्ड रैम उसकी ये होनी चाहिए, हार्ड उसकी ये होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले इतना होना चाहिए। मैं आपको अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप मुझे बताएं, मेरे पास 20,000 रुपए है, मुझे जो है वो 8GB रैम वाला और 8 कोर वाला और फोन चाहिए सैमसंग का। सर वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा सर। मतलब ये हुआ कि आप, मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 20,000 रुपए में जो भी सबसे बेस्ट फोन है वो दे दो, ये मेरा क्राइटेरिया। अब आप बताइए क्या करेंगे सर? फिर इन्फिनिक्स ही सही है सर। आप ये करेंगे कि आप 3-4 मॉडल ऐसे लेंगे जो जिनकी के यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे आ गया हूँ ना मैं, यहाँ पर आ गया सर, यहाँ पे बताओ मैं क्या करूँ। आपस में कंपेयर कर लेंगे, उसमें इसमें ऑप्शन होती है कंपैरिजन की, आप ये देखेंगे मैं आपसे, मैं आप देखें, आप मेरे स्टेप बाय स्टेप चले ना, आप मुझसे वो वाली बातें क्यों कर रहे हैं जो मैं टेक्निकली तौर पर कर नहीं सकता। मैंने सबसे पहले ये वाला फोन उठा लिया जो 15 से 25 के दरमियान में, अब मैं क्या करूँ सर? ये जो है ना सेकंड फोन इन्फिनिक्स एक्स, इसको उठा लेंगे और फिर सैमसंग इसको उठा लेंगे। अच्छा, मैं अपना क्राइटेरिया कर देता हूं, मेरा क्राइटेरिया 15 से 25 के दरमियान ही है ना। अब आप मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि मैं उसके बाद या मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं? फर्ज करेंगे 1,000 फोन आ गए हैं सेकंड, इसको टेक्नो और सैमसंग, ये तीन फोन आप पिक करेंगे जो कि 20,000 में फॉल कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुनी, मैंने ये कहा है कि मेरा ये क्राइटेरिया जो है 15 से 25 तक का सही है, अब मैं क्या करूं सर? इसको नैरो डाउन करें। सर ये वीवो जो 15-16 के अंदर अंदर है सर, यहाँ तक आप सारे फोन्स की स्पेसिफिकेशंस चेक कर लें। ओ
यहाँ के शुरू के शुरू के शुरू की पहली पूरी और सर सेकंड तक जो है 1599 सर सबसे पहले सबसे मैक्सिमम प्राइस जो है ना जो जो हमारे क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रही है सर उसको हम पहले एक्वायर करेंगे उसके सारे ब्रांड्स हम खोलेंगे वो चेक करेंगे मुझे वो बात बताओ जो मैं कर नहीं सकता मुझे ये बात बताओ मैं कर सकता हूँ मुझे ये वाला फोन खोलना है या नहीं खोलना यस नो यस मुझे या तो बताओ सर आप ऐसा करें मेरी बात सुन लो मुझे आप ये बताओ कि सर आप बोले मुझे बताओ बोले बताओ जैसे एक साहब ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि सर आपने जो है ना वो प्राइस रेंज के ऊपर फिल्टर लगा देना है मैंने लगा दिया अब आप मुझे बताओ कि भाई आप इसके ऊपर मजीद कोई फिल्टर लगा दें तो मैं लगा देता हूँ अब आप मुझे ऐसे मशवरे ला दो प्रैक्टिकल मशवरे दो अब मैं क्या करूँ स्क्रीन साइज का फिल्टर लगा एडवांस सर्च में जाकर आप जो है ना इसके सेकंड स्पेक का फिल्टर लगा दें लाइक करने के एडवांस सर्च में यूज नहीं कर सकता मैं क्या करूंगा सेकंड फिल्टर लगाएं सेकंड फिल्टर क्या लगाऊं स्क्रीन साइज लगा दें नहीं लेकिन मुझे नहीं पता कि स्क्रीन साइज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती तो मैं क्या करूंगा ब्रांड का लगाएं सर ब्रांड का लगाएंगे अच्छा लेकिन मुझे एक मैं आपको रैम का आपने कहा था रैम मुझे चाहिए इतनी हां देखिए मैंने आपको उसका बता भी था कि मुझे 4GB रैम चाहिए ना तो इसका मतलब क्या हुआ आप क्या करूंगा सर रैम का Realme का ले लें Realme का क्यों ले मतलब मैं यहां पे मौजूद हूं मुझे बताओ कि इसमें मुझे क्या करना है ना ये मेरे पास फोन के सेट आ गए मैं दोबारा आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगा 4GB मिल जाएगा इनकी स्पेसिफिकेशंस देखें 4GB प्लस इसी प्राइस रेंज में रैम 4GB प्लस मुझे बताओ ना 4GB प्लस नहीं मिल जाएगा 4GB मिल जाएगा आप बात समझ नहीं रहे मेरी मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों से पूछ रहा हूँ आप लोग मेरे सवाल पे गौर नहीं कर रहे असल में सर मैं क्या करूंगा मैं फर्स्ट मोबाइल को क्लिक करूंगा उसको देखूंगा अगर वो मुझे प्राइस रेंज मुझे पता चल जाएगी कि वो इस ये मेरे फर्स्ट मोबाइल क्लिक कर लिया अब मैं क्या करूंगा अभी हां अब मुझे इसकी प्राइस पता चल गई हां इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन मुझे पता चल गई प्लस स्पेसिफिकेशन देखूंगा मैं इसकी प्राइस देख ली है मेरी इसकी प्राइस जो है वो 24,000 रुपए है और मैं अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख रहा हूं ठीक है देख ली मैंने ये चीज रिव्यू देखने नहीं लग रही है बताओ रिव्यू देखने या नहीं रिव्यू अगर ऑनलाइन में देख रहा हूं तो देखने चाहिए रिव्यू के इसके मोबाइल अगर आपके सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं कि मैं इसकी स्पेसिफिकेशन देखूंगा और इसकी रिव्यू देखूंगा देख लिए मैंने अब मैं क्या अब देखने के बाद अब मुझे पता चल गया कि मुझे 25,000 की जो बिल्कुल मेरी बैरियर है ना उसमें मुझे ये चीज मिलेगी अब मैं इसी टाइप के दो तीन मोबाइल मतलब इसी जो बैरियर है क्या करूं मैं वापस यहां आ गया हूं अब मुझे बता क्या करूं अब जो सर नीचे प्राइस रेंज लिखी हुई है मैं इस प्राइस रेंज में जैसे टेक्नो पोवा लिखा है ना देखो प्राइस रेंज आ गई है मेरे सामने अब मैं नेक्स्ट क्या करूं मैं रैंडमली जैसे ये टेक्नो है अगर मेरा पहला मोबाइल 24,000 था तो टेक्नो में देख लूंगा ये 25,000 इन दोनों को मैं कंपेयर मैंने टेक्नो क्यों चूज किया ये 16,000 रुपए वाला ये वाला ना क्यों चूज किया नहीं सर ये नहीं लास्ट पे चला गया मैं इसी लाइन में लास्ट वाला ऊपर अच्छा इसी लाइन में लास्ट वाला अब मैं डायरेक्ट लास्ट पे चला गया उसकी क्या वजह है सर क्योंकि मैंने देखा कि मेरा जो पहला मोबाइल है ना 24,000 था और जो लास्ट 25,000 है तो इन दोनों में कंपेयर करूंगा अच्छा इन दो को कंपेयर करोगे सर बिल्कुल ठीक है ये कर लिया ये कंपेयर किया इसकी स्पेसिफिकेशन पुराने वाले से ज्यादा अच्छी है और इसके रिव्यू भी अच्छे हैं अब मैं क्या करूं नेक्स्ट वाला सर्च करेंगे और उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो मुझे यहां पर आ गया हूं मैं ना अब मुझे बताओ अब नेक्स्ट वाला कौन सा है मैं यहां पर मौजूद हूं अब मुझे बताओ मैं किधर जाऊं नेक्स्ट पे लेफ्ट पे राइट पे कहां जाऊं सर इसी में सर फिर इनफिनिक्स का जो सेकंड मोबाइल है उसको चेक करें जो सेकंड कौन सा वाला मैं यहां पर खड़ा हूं फर्स्ट रो का सेकंड जो है फर्स्ट रो का इनफिनिक्स हॉट 10 प्ले हॉट 10 प्ले जो है 1699 का जो है ये वाला हां जी ओपन कर लिया लेकिन मैं यहां से यहां पर क्यों आया हूं हेलो सर हमने पहले मैक्सिमम रेंज उन्होंने चेक की जिस तरह अभी पहले की गई है उसकी रेंज की बेस पे किया है दो ब्रांड्स को कंपेयर कर लिया ना वो एक ही चीज को आप लोग बार बार कर रहे हैं मैंने ये रेंज दे दी है ना यहाँ पर अब मेरे पास ये तो खत्म हो गया ना मेरे पास इस रेंज के अंदर ही सारी चीजें आ रही है ना अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ से इस यहाँ से यहाँ पर क्यों जाऊँ सर अब इनफिनिक्स और सैमसंग को कर लें चेक आपस में अपने टेक्नो को चेक किया ना सर आपने जो पिछला फोन चेक किया उसकी प्राइस थी 25,000 तो अब अगला आप चेक करें वो भी 25,000 का होना चाहिए लेकिन उसमें हो सकता है स्पेसिफिकेशन और हो उसके रिव्यू ज्यादा हो मैं कहां जाऊं सर नेक्स्ट लाइन में मैं इससे फिर आगे दे रहा हां मैं इससे आगे और जाऊंगा नेक्स्ट लाइन थर्ड जाओगे
आगे जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे जो स्पेसिफिकेशन मुझे पहले मिल रही थी जिस मोबाइल की, वो आगे किसी और मोबाइल में मिल रही है जो इससे कम उसके लिए क्या देखो बात ये है ना, उसके लिए मुझे उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा ना। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये मैंने किसकी स्पेसिफिकेशन ले ली, अब मैं नेक्स्ट किस पे क्लिक करूँ? हाँ, अब मैं दो तीन मोबाइल छोड़ के फिर मैं क्लिक कर दूंगा। दो तीन मोबाइल छोड़ के क्लिक कर दोगे ना? कौन से दो छोड़ दूं या तीन? तीन छोड़ दें। तीन छोड़ दिए, चौथे पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दें, इसमें देखूंगा मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ तो मुझे प्राइस कम मिल गई लेकिन स्पेसिफिकेशन मुझे ज्यादा अच्छी मिल गई। तो स्पेसिफिकेशन मिल गई, अच्छा ठीक है। अब मैं क्या करूँ? इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और देखूंगा कि यार थोड़ा सा आगे कितना, मैं यहाँ पे ऐसी दो चार दुकान है, मतलब मैंने अभी कंसीडर किया ना, मैंने भी कंसीडर किया, मैं तीन चार मोबाइल छोड़ के चौथा मोबाइल क्लिक किया। तीन या चार, एक चीज बताओ ना, नंबर बताओ, तीन या चार? मैं यहाँ से सर ऐसी रैंडमली, मैंने ऐसी रैंडमली अपने आप रैंडमली भी तो रैंडम का तो फंक्शन होता है ना, आप मुझे रैंडम बताओगे, मुझे नंबर तो बताओगे ना सर? दो सर, तीन छोड़ दे, तीन छोड़ दे, तीन छोड़ना रैंडम ही, क्योंकि आप पहले भी तीन छोड़ चुके हैं। आप रैंडम पे जा रहे हैं या तीन तीन के स्टेप पे जा रहे हैं? सर वैसे ही मैंने तीन ऐसी भूल दिया, चार छोड़ दे सर। पहले तीन छोड़े थे और अब चार छोड़े थे, पहले तीन क्यों छोड़े थे और अब चार क्यों छोड़ रहे हो? सर वैसे ही मैंने रैंडमली नंबर जो ज़हन में आया। चलो खैर, मैं आप यहाँ पर आप लोगों को सबकी जो बहस मुबाहिसा है इसको रोकता हूँ और अब आप लोगों को मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ। एक तो बात यह है कि आप लोग सबके सब जो है ना वो बिल्कुल भी ज़हानत का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जितनी भी बातें आप लोगों ने अभी तक की हैं उनका सिवाय इमोशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बैठें और सबसे पहले तो अपनी जहानत देखें, शायद इसीलिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और आप लोग तरक्की नहीं कर पा रहे कि आपके साथ ये बड़ा मसला है कि आपको पता ही नहीं है कि डिसीजन लेना कैसे है और लिया कैसे जाता है, सही है? बाद में कभी आराम से बैठकर इस वर्ड मोबाइल की लाइन पर जाइएगा और यही वाला क्राइटेरिया आएगा तो आप देखेंगे कि आप लोग सबके सब कंफ्यूज है। इंटेलिजेंस और कंफ्यूजन वो अलग अलग चीजें हैं। जब आप कोई डिसीजन इंटेलिजेंस के बेस पे नहीं ले पाते तो आप कंफ्यूजन की बेस पे लाते हैं। लेकिन अगर आप कभी इसकी जो कल की जो लास्ट क्लास है मेरी सैटरडे की, वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें लोगों ने काफी अच्छे डिसीजन जो है वो मुझे दिए दोनों चीजों में, और उसके अंदर हमने जो है वो ऑब्जर्व किया कि भाई नॉर्मली तौर पर जो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी काम करें आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे क्योंकि आप इस बात पे बहस करने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है। लेकिन नॉर्मली तौर पर आपके पास जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप लीनियर सर्च करते हैं, ठीक है? दूसरा जो है, अब वो लीनियर सर्च के बाद दूसरा होता है विद द गैप, यानी कि स्टेप्स, यानी जैसे आपने कहा भी तीन छोड़ देंगे चार छोड़ देंगे या अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, मुझे जवाब दे। आप जो है वो दूध वाले हैं और आपको एक महल्ले में दूध की सप्लाई करनी चाहिए, हर घर में जाकर 50 घर हैं और 50 घर में जाकर आपको दूध बांटना है, तो आप इसमें से कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, पहली दूसरी या तीसरी? मैं यहाँ पर पहली वाली सर, पहली वाली। इसमें सबसे पहले बताओ कि ये तीसरी वाली सर्च, ये तीसरा वाला ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि सर सारों को देना है तो हमें रैंडम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। अच्छा, आप मैं सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ। आप एक दूध वाले हैं, आपको लोगों के पास जाके पता करना है कि वो आपका दूध इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, तो इसके अंदर आपके पास कौन सी सर्च सबसे बकवास होगी? फर्स्ट वाली, यानी कि आप एक एक घर में नहीं जाएंगे तो क्या आप रैंडम सर्चिंग करेंगे? यस सर, सेकंड वन करेंगे। आप लोग जितने भी फैसले कर रहे हैं उनकी जो बुनियाद है, उनकी बुनियाद जो है वो दो चीजों के ऊपर है, बोर्डम और लेजीनेस। इनका जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जैसे एक बंदा है वो जाता है पहली दुकान पे जाता है, वहीं पे जो भी उसको चीज मिलती है उठा के लेकर आ जाता है। ये जो फैसला है ये उसकी लेजीनेस के ऊपर बेस करता है। अगर इंटेलिजेंट डिसीजन होगा तो इंटेलिजेंट डिसीजन ये होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एवरी
एवरी डेटा सैंपल होना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन अगर बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसे अपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां पर 1000 फ्लैट है और वो अपार्टमेंट जो है वो 4 फ्लोर पर है और वहां पर जो है वो सीढ़ियां जो है वो मौजूद है, लिफ्ट मौजूद नहीं है, तो आपके लिए और टाइम आपके पास कम है तो आप उसमें गैप के साथ जाएंगे, यानी एक एक पहले नंबर फ्लैट पे जाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, फिर मतलब 5-5, 6-6 का गैप करते हुए आप चले जाएंगे, ठीक है। रैंडम सर्चिंग जो है वो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि रैंडम सर्चिंग में इस बात के चांसेस हैं कि आपको जो रैंडम नंबर मिले पहले वाला ही मुश्किल मिल जाए, उसके बाद आसान मिल जाए, उसके बाद दोबारा मुश्किल मिल जाए, तो यू नेवर गो फॉर द रैंडम थिंग। जब भी आपको सर्चिंग करनी होती है उसमें जो रैंडम सर्चिंग होती है वो सबसे ज्यादा लेस एफिशिएंट होती है। इसको आप कभी करके देखिएगा कि आपके पास 50 दुकानें हैं, इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि मैं एक एक दुकान में जाऊं और वहां से पता करूं कि भाई आपके पास क्या रेट है, उसके बाद दूसरी में, तीसरी में। अगर मैं यहाँ पर रैंडम सर्चिंग करता हूँ तो इसमें सबसे बड़ा खतरा होगा, पहले मुझे रैंडम नंबर मिला 25वां, उसके बाद रैंडम नंबर मिला फर्स्ट, उसके बाद रैंडम नंबर मिला 50वां, तो आप क्या हो रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने में लग रहा है। लेकिन अगर मैं लीनियर सर्चिंग करूंगा तो उसमें मेरी इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं डिस्टेंस कम से कम तय कर रहा हूं। तो आप लोग बार बार रैंडम करते हैं, असल में आपको ये रैंडम चीज जो है वो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको लीनियर सर्चिंग ही करनी है। अब इसके अंदर लीनियर सर्चिंग के अंदर एक और चीज होती है, आपने लीनियर सर्चिंग की, आप पहले 5 दुकानों पे गए, 5 दुकानों के ऊपर जाकर जो है वो आपने रेट पता किए, आपको पता लगा कि यार रेट जो है वो सिमिलर है, पहले दुकान में भी 1700 है, पांचवी दुकान पे भी 1700 है, तो आपके पास 50 दुकानें हैं, तो आपने क्या किया कि वो छठी दुकान पे गई नहीं आप, और आपने इज्यूम कर लिया कि यार सबके रेट एक ही जैसे, ये अर्ली ब्रेकअप हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या किया कि आपने लीनियर सर्चिंग स्टार्ट की, आप शुरू की 5 दुकानों पे गए, उसके बाद आपने 6, 7, 8, 9 छोड़ दी, फिर 10वीं दुकान पे चले गए, फिर 10वीं के बाद 10वीं छोड़ दी, फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं दुकान के पास चले गए, फिर 15वीं दुकान के बाद आपने क्या किया कि 10-10 दुकानें छोड़नी पड़ गई, यानी हर जगह जो है वो आपका जो गैप है जिसको हम जो है स्टेप्स कह रहे हैं टेक्निकली, वो बढ़ रहे हैं। हर यू समझ लें कि हर 10% डेटा को प्रोसेस करने के बाद आप जो है वो अपना गैप बढ़ा देते हैं। ये वो बिहेवियर है जो आप किसी भी किस्म की सर्चिंग के लिए आप करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि पहले से ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसके अंदर कुछ कह रहे थे आप। सर मैं ये कह रहा था, ये मोहम्मद मुहिद्दीन है, ये काफी एक्सक्यूज कर रहे हैं ये असाइनमेंट के बारे में। पहली बात तो ये, इन्होंने 2 बार असाइनमेंट सबमिट कराया और एक में तो इन्होंने रोल नंबर नहीं लिखा, और इन्होंने फाइल जो अपनी डाली वो उसकी जुपिटर की फाइल डाली है, उस पर भी एक्सक्यूज कर रहे थे कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये हुआ है। एक जगह इन्होंने क्या किया है, रोल नंबर की जगह अपना नाम लिख दिया और वहां पे पाइथन की फाइल डाल दी, तो वहां हम तो मैनुअली चेक नहीं कर रहे, तो आप इसमें हमारी क्या गलती है जो एक्सक्यूज कर रहे हैं। बस छोड़ दो ना इसको, इनकी ये आपसे सिलेक्ट कर अलग से बात कर लेंगे, फिर देख लेना अगर इसके लिए अगर आप कोई फेवर दे सकते हैं तो आप फेवर दे मंसूर ब्रो, वरना जो है वो आपको सर ऐसी बात क्लास में फोकस करते हैं, असाइनमेंट पे कोई बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको भी असाइनमेंट पे बात करनी है वो आपसे सिलेक्ट पे डिस्कस कर लेगा डायरेक्ट मैसेज कर। अच्छा, एक है आपके पास प्रीवियसली डेटा। अब यहाँ पर हम दोबारा जो है वो अपनी मशीन लर्निंग पे आते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल, ठीक है। अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है, फॉर ह्यूमन यस, फॉर मशीन नो। अब इसके अंदर मेरे पास सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम ह्यूमन होते हैं तो हम अपने डिसीजन के अंदर डंडी मारते हैं, हम रैंडम चले जाते हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आपके पास मशीन हो तो आपके पास आप अपने स्टेप्स बहुत कम कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर ये जो वाट मोबाइल वाला है
रखी है, मुझे खुद देखना है, तो मैं बार बार अपनी लेजीनेस की वजह से बार बार जो है वो यू कर रहा हूँ, यू कर रहा हूँ, टाइम जाहिर भी कर रहा हूँ और कोई अच्छा डिसीजन मिला। लेकिन अगर ये तो मेरे पास एक मशीन हो जो एक एक को चेक करे और कंपेयर करे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। अब अगर मेरे पास, मैं ये सारा डेटा एक जगह जमा करूँ और जमा करने के बाद इसमें से निकाल लूँ कि भाई सबसे ज्यादा इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर, सबसे ज्यादा रैम, सबसे ज्यादा स्टोरेज, सबसे बड़ी स्क्रीन, ठीक है, और सबसे अच्छा ब्रांड, ये कहाँ पर है, और वो मुझे वो डेटा की लाइन मिल जाए दो तीन, तो मेरे लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस बेस के ऊपर डिसीजन, तो मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम का शिकार हूँ वो ये है कि मुझे अपनी लीन में तो लीनियर सर्चिंग रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर सर्च किया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि मेरे जो ब्रेन है वो बोर्डम का शिकार हो जाता है, बेजार हो जाता हूँ मैं। लेकिन अगर ये मशीन होती तो मेरे पास ये जितने भी डेटा है, मिसाल के तौर पर ये 100 मोबाइल का डेटा है, मैं बड़े आराम से ये डेटा मुझे एक जगह जमा करके मिल जाए और मैं इसके अंदर मैक्स का फंक्शन भी लगा दूं, तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इस यही चीज जो है, बस ये जो है यही हमारी जो है वो मशीन लर्निंग है। सर ये प्रीवियसली डेटा जो आपने लिखा, सर इसको एक्सप्लेन करें, ये कुछ मतलब मिसिंग हो गया मतलब। हां जी, मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो हम इसको हम काम करते हैं ट्रेनिंग का। सर एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा। मशीन लर्निंग के अंदर ये वाला जो फेस है ये है हमारा ट्रेनिंग का, जिसके अंदर हम बेस्ट फाइंड कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर जो बताया या प्रीवियसली डेटा या प्रीवियसली या किसी आपको फ्रेंड ने बताया, जिसको आपने क्या कहा था, जान पहचान, मशहूर, ये सारी की सारी चीजें सर, पास्ट एक्सपीरियंस, ये आप इसको पास्ट एक्सपीरियंस कह लें। मैं इसे ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन सबको हम ये क्या कहेंगे, हम इसको हम काम, इसको हम नाम देते हैं आप पहले कोई चीज सर्च करते हैं, अगली मर्तबा क्या होगा, आपने देखा यार इस दुकान पे सबसे कम प्राइस सच्चे है, अगली मर्तबा क्या होगा, आप डायरेक्ट इस दुकान पे चले जाए, ये वाला इसका। लेकिन ये कब होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है, यानी पहली मर्तबा आपको बेस्ट ऑप्शन के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप पहली दुकान, पहली मर्तबा ये वाला काम कर लेंगे तो आप जो है वो अगली मर्तबा ये वाला काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहां पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ क्या है, आप जो है गैप बढ़ा देंगे तो सब लोग अग्री है। यस सर। ठीक है, तो आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बाज़ार अच्छी चीज आपको इसलिए नहीं मिलती, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप एक ड्रेस लेने जा रहे हैं, आपने क्या किया, शुरू की 10 दुकानों में देख लिया, 11वीं 12वीं पे गई नहीं, क्यों, क्योंकि आप थक गए थे, क्या आपने बोला यार बाकी सब में भी ऐसे होगा, इज्यूम कर लिया, तो आपने क्या किया, अर्ली ब्रेकअप पे चले गए आप। लेकिन अर्ली ब्रेकअप का एक चांस है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है गलत हो, लेकिन अर्ली ब्रेकअप के ऊपर इस बात के चांसेस हैं कि आपको अच्छी चीज मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। इसी तरह आपके गैप जब आपने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए गैप, तो इस बात के चांसेस थे कि आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यू थी वो बीच में से मिस हो गई।
लेकिन एक मरतबा अगर आपने ये वाला एक्सटेंसिव प्रोसेस कर लिया या कुछ मिनिमल गैप के साथ कर लिया जिसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जो है आपको बहुत ही अच्छी चीज जो है वो मिल सकती है, आप ऑप्टिमल या बेस्ट वैल्यू की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई है तो बता दे, नहीं आई तो बता दे। आ गई है सर। आ गई है। कोई और चैट के ऊपर कोई सवाल है मंसूर किसी के पास? नो सर अभी तो नहीं है। है सब किया हुआ किसने शायद? सर हैंड्स रेज किया हुआ किसने? ठीक है। तो अगर कोई सवाल है तो कोई कर दे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो यही है। असल में मशीन लर्निंग जो है वो यही वाली है। होता ही है कि बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग पढ़ लेते हैं लेकिन वो इन चीजों को नहीं समझते। जब वो इन चीजों को नहीं समझते मशीन लर्निंग के अंदर वो अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही लगता, वो बहुत सारी चीजें रट तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती। तो आप लोगों को लीनियर सर्चिंग चीज क्या है ये? लीनियर सर्चिंग है ना, आपको एक-एक जाकर एक-एक दुकान पे जाकर सर्च करना है, एक-एक डेटा को जाकर देख रहा है कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी है। ये लीनियर सर्चिंग। इसके अगेंस्ट में जो आती है वो है रैंडम सर्चिंग। रैंडम सर्चिंग में आप पहली पे जाते हैं, फिर एक रैंडम फंक्शन अप्लाई करते हैं, आप 25वीं दुकान पे जाएंगे, फिर आप रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे वो 5वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे वो 30वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे वो 50वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे दोबारा 20वीं दुकान पे आ जाएंगे। तो ये एक रैंडम सर्च हो गई। सर ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम फिर उसके बाद सर्चिंग जो है वो रैंडम सर्चिंग होगी या वो भी? अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो रैंडम सर्चिंग की जरूरत है, उसकी सर्चिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, अब आप उसी दुकान पे चले जाएंगे जहाँ पिछली मरतबा गए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। भाई बोलो ना, जब आप बोलो तो सही, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना क्या है? आपको जो है ये किताब पढ़नी है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपका, मैं इस किताब से चला जाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ गेट वेल सून मैसेज, मुझे बताओ इसमें से सबसे अच्छा मैसेज आप लोगों को कौन सा लगा? हाँ जी, ये सारे मैसेज इधर है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताएं इसमें से सबसे अच्छा मैसेज आप लोगों को कौन सा लगा? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास ताकि इसको नंबर्स दे सकूं। उम्मीद है आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर आपको सबसे अच्छा मैसेज कौन सा लगा और क्यों लगा? पोल कर लूंगा या वैसे ही बता देंगे? सर मैंने 1 से लेकर 8 तक रीड किया और मुझे 8 वाला अच्छा लगा। तो बुक का पेटिंग में बताइए क्या? फर्स्ट 10 नंबर, 12 तो फर्स्ट अच्छा लग रहा है। फर्स्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये फर्स्ट वाला क्यों अच्छा लग रहा है आपको? जो बात कहना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में कह दिए, कोई ज्यादा घुमाओ। सिंपल वर्ड में 12 अच्छा है। हां, ये कि बस इतनी ज्यादा विशेस देना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी चीजें हैं इनके जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं? आप इंडिविजुअल डेटा पे ले रहे हैं ये वाले पर? ये आपका डेटा है ना, अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो बेस्ट वर्डिंग यूज हो गई है, जो बेस्ट वर्ड यूज होंगे उसको आप चूज कर लेंगे।
लेकिन अगर आप रेंडमली देखें, आपने जैसे पहला पढ़ा और आखिर ये पढ़ा, तो आपने क्या किया, आपने देखा होप यू फील स्टेडियर स्ट्रॉन्गर बेटर, ठीक है, आपने बोला यार ये और ये में से कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। हो सकता है कि इसके बीच के अंदर और इसके बाद के अंदर भी कुछ बेस्ट वर्ड हो, लेकिन वो आपने चूज नहीं किया। तो ये आपने क्या किया कि आपने एक रैंडम सर्चिंग या गैप के साथ सर्चिंग, और एक ये है कि आप इसको एक एक वर्ड को सही से पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी जो सर्चिंग है ये कौन सी है, ये लीनियर सर्चिंग है। और इसके अंदर जो चॉइस है वो किसके ऊपर है, डेटा के ऊपर है, और वो डेटा उसमें क्या है, वर्ड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक अच्छा और अच्छा वर्ड होगा जो आपको अच्छा लगेगा, आप वो अच्छा की भी डेफिनेशन है वो कौन सा होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब हम किताब पर आते हैं, अब हम किताब के ऊपर चले जाते हैं, और किताब के अंदर हम ये देखते हैं कि असल में ये जो है ना, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम, बुक का पेज बताइएगा, बुक का पेज चैप्टर 1 है ये, और इसका पेज है क्या है भाई, इसका पेज 26 नंबर है, 4 है, 26 26। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका जो इस डिसीजन के अंदर ये है कि आप अपनी जो किसी भी आपने काम को, अगर वो आप इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर करते हैं, आप अपने किसी भी काम को अगर आप इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। कोई ऐसा मुझे काम बताए जो आप जहानत की बेस पे करते हैं और इसके अलावा कुछ और करते हैं, कोई जहन में लाए ऐसा काम जो इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर आप करें और इसके बगैर कर लिया। सर जैसे मतलब कि हम वॉलीबॉल अगर फिलहाल खेलते हैं तो वो हम जहमत की बेस पे भी खेलते हैं, हमें पता होता है हमने इधर गैप है, हमने इधर फेंकना है बॉल, ये वो वगैरह। आप बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखें, आप वॉलीबॉल खेलते हैं वैसे ही? यस सर। लेकिन मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो क्या मैं आपके बराबर वॉलीबॉल खेल लूंगा गेम के अंदर? नहीं सर। क्यों, क्या चाहिए मुझे? एक्सपीरियंस नहीं, और कुछ बताए, लफ्ज बदल मत बदले। ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल। अब ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग के अंदर आप मुझे वन बाय वन एक एक चीज मुझे बताएंगे कि भाई देखें ये वाला शॉट ऐसे मारा जाता है, और वो कम से कम मैं 20 मरतबा करूंगा, तभी लर्निंग होगी ना उसमें मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी जो डिसीजन ले रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, आप जब गेम खेल रहे हैं, तो आप ये वाला फेस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आपने डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर अपनी बॉल को शूट करना की ट्रेनिंग ले ली है, अब आप यहां पर हैं। मुझे अगर ये वाला काम करना पड़ेगा तो या तो मैं गेम खेलने आपको भेज दूंगा, या फिर जो है ये वाला काम करूंगा। अब जो यहां पर फैसले हैं वो डिफरेंट जगहों से बॉल को शूट करने के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे हमने बात की थी, या हम बात करते हैं कि अभी हम जब सेलफोन ले रहे थे तो हमारे पास जो मेजर स्पेसिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया था वो था स्क्रीन का साइज, मेमोरी, प्रोसेसर का साइज, स्टोरेज, कैमरा या पिक्सल्स, ये 5-6 मेन क्राइटेरिया थे। सही है, और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं जो आप नहीं कंसिडर करते, क्योंकि आप ह्यूमन है ना, थक जाते हैं। अगर आप मशीन होते हैं तो आप उसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ का वर्जन, ठीक है, वाईफाई का वर्जन, और 4G 5G और 3G की अवेलेबिलिटी, ये सब भी चेक करते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ह्यूमन है तो आप बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं, तो आप नहीं कर पाते। सही है, और कोई इस तरह की कोई बात कहना चाहता है जिसको उसको लगता है कि इन चीजों के बगैर, यानी ट्रेनिंग और इन ट्रेनिंग के बगैर जो है वो कर सकता है? अब जैसे वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के अंदर आपका जो क्राइटेरिया है ट्रेनिंग का क्या होगा कि डिफरेंट पोजीशन से, और डिफरेंट पोजीशन से आपको बॉल को रिसीव करना है, एक तो ये क्राइटेरिया है। फिर डिफरेंट पोजीशन है वहां से बॉल को आपको शूट करना है, ठीक है। तो ये अगर ये सारे कम, मिसाल के तौर पर अगर आपके जो गेम है उसके अंदर जो है वो 50 डिफरेंट लोकेशन है आपके ग्राउंड की, और वहां से आप बॉल रिसीव भी करते हैं और बॉल शूट भी करते हैं, तो दो तो ये हो गई, तो ये 100 ऑप्शन हो गए, और 100 के बाद बॉल डिफरेंट जो है वो आर्क बनाते हुए आती है, मिसाल के तौर पर 5 डिफरेंट किस्म के आर्क बना लेती है वो, तो
500 होगा ही है, ठीक है। और जाते हुए भी जो है वो आप उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर लगाते हैं, फॉरवर्ड 5 टाइप के प्रेशर लगाते हैं, तो अब जो है ये 2500 हो गए। अब 2500 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर से जो है वो आपको लर्न करना है कि मोस्ट इफिशियंट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। यानी कि आप जब कोई बॉल जो है वो शूट कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बॉल को शूट करना है गैप में भेजने के लिए, क्या एंगल होगा, वो जो बेस्ट एंगल है और वो जो बेस्ट पावर है वो आपको लगानी है, उसके लिए आपको ये चीज पहले किसी न किसी वक्त सीखनी पड़ेगी। ठीक है जनाब, और कोई यहाँ पर कोई सवाल ये करना चाहिए या बताना चाहेगा यार मैं इनके बगैर जो है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसको जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा यही वाला काम करेगा या ये वाला काम करेगा, उसके बाद जो है वो आप किसी जगह पर आएगा ना। मिसाल के तौर पर मुझे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखनी है तो मैं क्या करूंगा, जो एक्सरसाइजेस दी हुई है वो सारी की सारी सॉल्व करूंगा मैं, या एक दो छोड़ के करूंगा, या शुरू की 5 करूंगा, या मैं पहली जो है वो शुरू की 10 करूंगा, उसके बाद 5 छोड़ दूंगा, फिर 5 छोड़ दूंगा, फिर 5 छोड़ दूंगा, और उसके बाद जो है वो 10-10 छोड़ दूंगा, फिर 20-20 छोड़ दूंगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस किताब में आते हैं। इस किताब के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये बहुत ही शायराना किस्म की किताब है, और इसके अंदर जो है वो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी तौर पर पढ़ने, ठीक है, और की फैक्टर्स भी पढ़ने। तो इसको किताब को बड़े आराम से पढ़ना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, और आप जो है वो अभी क्लास छोड़ जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी क्लास में रहेंगे, और क्लास में रहने के बाद इसको एक एक चीज पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इन बास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन सब्जेक्ट टू इंटेंस मीडिया हाइप, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई कमिंग विद काउंटलेस आर्टिकल्स, ये सारी कहानी जो है वो यहाँ पर आ रही है। एआई एजेंट, अब इसके अंदर ये भी बताया हुआ है, लेट्स टेकल दिस क्वेश्चन, व्हाट्स अ डीप लर्निंग अचीव सो फार, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, वेयर आर द हेड नेक्स्ट, शुड वी बिलीव इन हाइप, ठीक है, ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर डीप लर्निंग उसका एक छोटा सा मगर बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है। हम हमारा जो ये जो ट्रेनिंग वाली जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसके अलावा भी कुछ और भी होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर तो हम जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर आ जाएंगे। और अगर हम मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर हम न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम पहुंच जाते हैं डीप लर्निंग के ऊपर। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है वो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो छोटा हो गया है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मशीन लर्निंग के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा था, लेकिन जब अब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। जब हम किसी नैरो माइंडेड नैरो चीज के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर हमारी डिप बढ़ जाती है, हमारी जो विड्थ है वो कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी डिप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कोई सवाल करना है या मैं आगे चला जाऊँ? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगले 6 महीने तक यही चीज पढ़नी है, तो जब आप ये 6 महीने पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाली चीज में और ये वाली चीज में क्या फर्क है। तो आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आज से सब समझ में आएगी। तो सवाल करना चाह रहा था कुछ? अच्छा, अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं, इसको जो है वो तकरीबन 100 साल होने को आ गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस पे डेफिनेशन भी है, द एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमन, नॉर्मली कुछ चीजें स्पेशली भी करता है बंदा, वो इसमें शामिल नहीं है, सही है ना? मतलब एक बदला है, उसकी क्लास क्लास हो रही थी, ठीक है, क्लास
होते होते अचानक वो जो है वो गेम खेलने लगा, तो ये एक स्पेशल ऑप्शन है, नॉट अ आई कुड से नॉर्मल बिहेवियर। पहले लोग जो है वो याद बड़े याद रखिएगा कि रूल जो है वो खुद बनाते थे, रूल समझते ना आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कर ली है, तो आप जितनी भी if then else है, for है, जितना भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो क्या है आपका रूल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे सिंबोलिक कहते थे, सिंबोलिक AI। अब इसके अंदर जो मसाइल थे वो भी यहाँ पर है, उनको एक्सप्लिसिट करने का फजी प्रॉब्लम सच में इमेज क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम फिर मशीन लर्निंग के ऊपर आ गए। ये विक्टोरियन युग में एक खातून जो थी लेडी एडा लवलेस वाज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ चार्ल्स बैबेज, ये दोनों लोग जो थे वो एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, जिसको हम हमेशा ये समझते थे कि ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, लेकिन ये लोग जो है असल में जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं बना रहे थे, वो तो ये चाह रहे थे, मतलब ये जो खातून थी ये भी और चार्ल्स बैबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उनका मकसद कभी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाना नहीं था, वो ये चाहते थे कि जो काम इंसान का दिमाग कर लेता है वो कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो वो कर ले, यानी सबसे जो पहला कंप्यूटर ईजाद हुआ है या सबसे पहला जो सिस्टम ईजाद हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में वो जनरल पर्पस यूज होने लगा। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने ट्यूरिंग नाम सुना होगा, ट्यूरिंग मशीन और एलन ट्यूरिंग, नाम सुना है आप लोगों? यस सर, जी जी, यस सर, ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग टेस्ट होता है, आईक्यू लेवल ट्यूरिंग की, अगर आप लोगों ने जो है वो कौन सी मूवी है भाई उसकी, मंसूर, ट्यूरिंग टेस्ट होता है, इमिटेशन गेम, इंटीमेटिक गेम में ऐसे कुछ है, इमिटेशन गेम है ना मेरे ख्याल, इमिटेशन गेम ही क्या है, यस सर, इंटीमेट ऐसे कुछ ही है, इमिटेशन गेम ही है सर, इमिटेशन गेम ही है ना, तो इमिटेशन गेम के अंदर अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर जो है वो उससे पहले जो है वो जो जर्मन्स थे उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इंक्रिप्शन के काम आती है, इससे पहले इंक्रिप्शन ह्यूमन करता था, उन्होंने बोला यार ह्यूमन करता है ना तो वो रिपीटेशन के ऊपर चलाया था, तो हम एक वैसी मशीन बनाएंगे जो हमेशा एक नया की बनाएगी और उसके जरिए हम डेटा को इंक्रिप्ट करके भेज दिया करेंगे, किसी को पकड़ में नहीं आएगा, तो उसका नतीजा यह हुआ कि वो जो हमारे लोग थे ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश के जो अलाइंस थे वो सबके सब फेल होने लगे, क्योंकि अब क्या होता था हर रोज एक नई की जनरेट होती थी और उस नई की से इंक्रिप्शन होती थी, उसके पीछे जो मशीन थी इनसिग्मा जिसे कहते थे वो मशीन यूज होती थी, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मशीन जो थी वो हर रोज रीस्टेट होकर नया कोड जनरेट कर दिया था, शाम तक बेचारे वो कोड ब्रेक करते थे और शाम को जो है वो मशीन चेंज हो जाती थी तो उनके किसी काम ही नहीं आती, अगले दिन फिर दोबारा शुरू हो। तो एलन ट्यूरिंग ने जो है ये सोचा कि यार इसके लिए मशीन बनाया जाए, और उसने जो है वो इमिटेशन गेम जो मूवी का नाम है, लेकिन उसने जो मशीन बनाई जिसको हम ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, वो असल में एक पहला इंटेलिजेंस सिस्टम था, लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेडी लॉलेस ने जो है वो एक किताब 1950s के अंदर एक मशीन और इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो था वो सारी के सारी कहानी जो है वो रुकी रही और मशीन लर्निंग जो है वो काफी अरसे तक लोगों की समझ में नहीं आई। जैसे आप लोगों के पास अभी जैसे मैंने आपसे सवाल किए और आपने उसमें जो जितने भी जवाब दिए वो इंटेलिजेंस की बेस पे नहीं कर रहे थे, इंटेलिजेंस ये कहती है कि भाई आपको एक एक चीज ढूंढनी है ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके, बाकी जितने भी फैसले हैं वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, और कन्वीनियंस जो है वो अलग चीज है और इंटेलिजेंस जो है वो अलग चीज है, इंटेलिजेंस हमेशा आपसे मेहनत मांगती है और कन्वीनियंस जो है वो आपको कोई ना कोई जुगाड़े लगाने की तरीके, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को 100% मार्क्स मांगने देने हैं तो उसको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी एंड टू एंड, लेकिन कुछ जैसे और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा साल नहीं पढ़ते, उसके बाद रेंडमली 5 चीजें पढ़ लेते हैं
और उस पर जाकर इम्तहान देके आया, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को ये किताब जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़नी है, रेंडमली चूज कर करके नहीं पढ़ना है ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया। अब जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, रूल के ऊपर और डेटा के ऊपर, जबकि हमारा जो मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है वो डेटा और आंसर्स पे बेस करता है। उसको डेटा और आंसर्स जब मिल जाते हैं तो वो रूल आपको खुद ही निकाल कर देता है, ठीक है। ये वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये आपके पास एक इनपुट है और ये आउटपुट है, क्या आप इस इनपुट और आउटपुट की मदद से मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो क्या यूज हो रहा है? सर इसमें मैथ एबीएस यूज हो रहा है और उसके अंदर इनपुट एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, एब्सोल्यूट मैथ यूज हो रहा है। सर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा रही है उसका डबल ट्वाइस आउटपुट सर ट्वाइस ऑफ एक्स 2 ऑफ एक्स हो रहा है सर, एब्सोल्यूट वैल्यू भी है ट्वाइस वैल्यू ली जा रही है एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर लिया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर 2x तक तो मैं सब लोग से अग्री हूं और बस खत्म। डॉट एब्सोल्यूट मैथ डॉट एब्सोल्यूट के अंदर ये 2x सर एबीएस फंक्शन यूज हो रहा है, x प्लस x भी हो रहा है अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो। सर साइन को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेटा देखकर आपने, ये असल में रूल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इनपुट और आउटपुट हो तो मैं अपने रूल किसी भी डेटा में से निकाल सकता हूं, am I right or wrong? Yes sir. Right. Yes sir. Yes. आप मुझे बताएं कि आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारी हर बंदे की जिंदगी में, तो उसमें आप मुझे, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, आप एमजीएमजी लोग जवाब देते हैं, लेकिन बेस्ट चीज ये होती है हम देखते हैं किसी भी चीज को हम जब खरीदने चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है ना। अब इसके लिए जो है हमारा रूल ये होता है कि हम 50 चीजें चेक करते हैं और उसमें जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी होती है, अच्छी का मतलब क्या है, जिसमें फीचर की मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैं जो हूँ वो आप जाकर खरीद लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है इसके लिए मुझे जो ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाला काम जो सर्चिंग करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इनपुट भी लेना पड़ेगा और आउटपुट भी लेना पड़ेगा। अब इस साल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि आपको जो है डेटा में आप लोगों से शेयर करता हूं, चैट देखते रहना। अब मेरे पास जो डेटा है वो ये वाला है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। साइज वाइज से समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके अंदर जो मेरे पास जो मेन जो काम है, ये मेन जो है वो ये है कि मेरे पास कुछ लोगों का डेटा मौजूद है जिनको माजी में लोन दिया गया था, सही है। कैसे पता लगा, इस आखिरी वाले से आउटपुट से, ये मेरा आउटपुट है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं उसका। ये मेरे पास क्या है, वाई, जो ये जो ये जो ये जो कॉलम वाई है, ठीक है, वी है शायद, वी, तो ये इसका ये इस कॉलम का नाम भी है, जैसे इसका नाम जो है ना मिस्टर एम्प्लॉयड है, इसका नाम जो है वो ये है, ये सब नाम चल रहे हैं ये, तो इस कॉलम का जो नाम है वो है इसको मैं रिजल्ट कर देता हूँ, इसको लोन मिला या नहीं मिला। अब आप इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर मेरे पास जॉब है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, डिफॉल्ट है, हाउसिंग है, लोन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, मंथ है, डे ऑफ
वीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने जमा कर ली है, जिसकी बेस के ऊपर मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि इसको लोन देना है या नहीं देना। आप देखें इसमें कुछ यस यस किया, आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा इस ये चीज से अंदाजा लगाने में कि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना। अगर कोई नया बंदा आता है और आपके पास ये सारा डेटा देता है तो आप किसको लोन देंगे और किसको नहीं देंगे, इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर, ये कोई 2-3 दिन कम से कम, 2-3 दिन। लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर मशीन लर्निंग लगा दें तो मशीन लर्निंग जो है वो हो सकता है 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपको एक चीज निकाल के दे दे जिसे हम कहेंगे मॉडल, और वो मॉडल जो है वो ये बताएगा कि कौन सी चीज जो है वो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो फर्क मिल रहा है वो ये है कि ऐसी कंडीशन में जहां पर रूल निकालना आसान हो तो वहां पर आप क्लासिकल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करेंगे, मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसी जगह जहां पर रूल आप बनाना, जैसे यहाँ पर इसने ये चीज यहाँ पे कही है कि पहले हम ये समझते थे और अभी भी हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपके पास प्रोग्रामर क्राफ्टिंग डेटा प्रोसेसिंग रूल बाय हैंड पुट कंप्यूटर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न दिस रूल बाय लुकिंग द डेटा। सही है, तो हमने देखा कि कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जैसे किसी का मुल्क के बारे में बताना कि यार ये मुल्क जो है वो इसकी अगले साल जो है वो जीडीपी कितनी होगी डिफरेंट पैरामीटर से, तो बाद जगह हमारे लिए डेटा को देखकर ऑटोमेटिक रूल जो है वो कंप्यूटर निकालने ये आसान होता है, पर इस बात ये कि हम खुद निकालें डिपेंड करता सिनेरियो के ऊपर। क्या ख्याल है? अब जैसे जब किसी की शादी होती है तो उसकी अम्मी जो है उनके लिए रिश्ते ढूंढती रहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब उसमें जो नुकसान ये होता है कि कुछ की जो अम्मियाँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है वो 50 के 50 रिश्ते एक एक जाके देती है, तो उनको ऑप्टिमल वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अब कुछ जो खवातीन होती हैं या कुछ लोग फैमिली जो होती है वो शुरू के 4 रिश्ते देखने के बाद डिसीजन लेते हैं कि भाई शादी करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ पर हो सकता है उनको ऑप्टिमल वैल्यू ना मिले। छठा जो है वो ज्यादा अच्छा हो, लड़का या लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे लिए, अगर हम ये वाला सारा काम मिसाल के तौर पर, अगर आप लोग आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, तो वो अपने जो शादी कराने वाले मैरिज ब्यूरो ऑफिस है या शादी कराने वाले जो आंटी है उनसे पूरा डेटा लेकर मशीन लर्निंग में डाल दे, मशीन लर्निंग में ना भी डाले बल्कि numpy के एरे में डाल दे, तो आपको मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिल जाएगा, मैक्सिमम एजुकेशन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेट और मैक्सिमम लोकेशन और बाकी सब चीज़ें, तो आपको मिल जाएगा। आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि भाई बेस्ट जो है जहाँ पर आप रिश्ता कहाँ भिजवा रहे। क्या ख्याल है आप लोगों का, अग्री और नॉट अग्री? नो सर, नो सर। सर ये वैसे, सर वैसे ये शादी कर रहे हैं या बकरा खरीद रहे हैं? बिल्कुल दिया, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, अब आपको बकरा खरीदना है तो बकरा खरीदने के लिए भी आपको लीनियर सर्च करनी पड़ती है कि पहले आप मंडी जाते हैं, फिर एक बकरे की शॉप पे, दूसरे बकरे की, तीसरे की, चौथे की। अब अगर आपको सब बकरों का डेटा आपको पहुंचा दिया जाए आपको, ठीक है कि भाई ये वाला बकरा, इस नस्ल का बकरा, इतने वेट का बकरा, इतनी हाइट का बकरा, हम बकरे में जाके यही चेक करते हैं ना भाई, बकरे की वेट, बकरे की हाइट, ठीक है, और बकरे की विट, सही है, ये हम 4-5 चीजें जो है हम चेक करते हैं, तो हम ये अगर चीजों का डेटा हमें मिल जाए विद प्राइस के तो हमारे लिए काम आसान होगा या नहीं होगा? होगा सर, ठीक है ना। तो आप जो है वो अगर आप समझते हैं कि भाई अगर आप इस तरीके से शादी नहीं करेंगे कि आपके पास सबका डेटा हो और आप बेस्ट वाले वैल्यू निकाले, तो फिर किस तरीके से करेंगे? रेंडम चूज कर लेंगे, अकड़ बकड़ बम्बे वो। सर इसमें आपने एक तरफा फैसला तो नहीं करना ना, वहाँ तो दो लोगों ने डिसीजन लेने हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो अब आप सारा जहानत के फैसले कर रहे हैं ना, अब आपने कहा कि भाई एक तरफा फैसला, तो यही होगा ना कि भाई दोनों तरफ जो है वो क्राइटेरिया लगाया जाएगा कि भाई ये वाला क्राइटेरिया, यहाँ वाला क्राइटेरिया, और दोनों को मैच करके भी आप कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपने अभी जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो वन साइडेड था, आप दोनों साइडेड का निकाले और उसके दरमियान में जो एवरेज आ रहा हो या बेस्ट वैल्यू आ रही हो वो तो आप तो निकाल सकते हैं ना दोनों साइडेड का डेटा। क्या ख्याल है? मेरा मतलब था कि आप, आपके ऊपर फुल डिपेंड, आप खुद मुख्तार नहीं कि आपने अगर पसंद कर लिया तो दूसरा बंदा
अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मैं इसमें देखें एक चीज बड़ी अच्छी आपने जो आपने बात की वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक चीज की तरफ लेके जा रहा था जो आपने पहले भी कहा था कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है इसको हम मॉडल कहते हैं। इसके लिए मैंने एक चीज लिखी थी, शायद मैंने मिटा दिया, और वो थी प्रिडिक्शन और या इन्फेरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कभी भी आउटपुट नहीं बताऊंगा। तो ये जिस तरह के डेटा, डेटा के ऊपर जो डिसीजन होते हैं, जो बहुत सारे डेटा के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, इसीलिए उनको हम प्रिडिक्शन या इन्फेरेंस कहते हैं। तो हो सकता है कि मैंने जो है वो अपना डेटा चेक किया और उसके बाद मैं तो खैर शादी की उम्र में, लेकिन अपने बच्चे की या बच्ची की शादी के लिए जो है वो मैंने बेस्ट च्वाइस निकाली और मैंने प्रिडिक्ट किया कि मेरे बच्चे की शादी इससे हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो ये आप, मेरा जो आउटपुट है वो रिजल्ट हो गया। तो मेरी हमेशा एक्यूरेसी जो है वो एस्टिमेटेड होती है हमेशा। ठीक है, यस सर। अब इसी तरह आप इस किताब को मजे ले लेकर इंडिविजुअली पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। अ मशीन लर्निंग सिस्टम इज ट्रेंड रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, समझ में आ रही है सर। एक और बात थी सर, वो जो ये जो ऊपर दो डायग्राम्स बनी हुई है, अच्छा इसमें एक में डाटा दे रहा है, एक में आंसर दे रहा है, और जो आप बता रहे थे कि हमने वो क्राइटेरिया दिया कि लोन किसको देना और किसको नहीं देना, तो सर उसमें भी तो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं किस्म का? नहीं, उसमें हम रूल डिफाइन, उसको उसमें देखें उसमें रूल डिफाइन नहीं कर रहे थे हम, उसमें से रूल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको कोई रूल बताया कि किसको देना नहीं देना, मैंने आपको इनपुट और आउटपुट बताया। मैंने कहा था भाई मेरी गूगल शीट है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये शेयर भी कर सकता हूँ, कर दूं आप लोगों को घर पे देखिएगा, और मुझे आप लोग अपनी जहानत से रूल बताइएगा कि सर किसको डेटा, मुझे आपको रूल निकाल के बताना है सर। लेकिन शुरू में तो हम उसको बता रहे होते हैं ना कि मतलब कि जब उसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये जब सिनेरियो आए तो फिर हमें ये आंसर करना है, और ये सिनेरियो आए तो फिर हमें ये करना। मुझे वही पे कह रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों के साथ डेटा जो है वो शेयर कर दिया है, आप लोग जल्दी जल्दी उस डेटा को डाउनलोड कर ले। सबसे पहले कुछ लिखने पड़ा डेटा मिल गया आप लोगों को, चेक के ऊपर, चेक के ऊपर डेटा मिल गया आप लोगों को, डेटा डाउनलोड करें आप, जल्दी जल्दी डेटा जो है वो आपने डाउनलोड करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि अगर आपको डेटा मिल गया है तो आप इस डेटा को देखते हुए मुझे अगली क्लास में रूल बताएंगे। मैंने आप समझ रहे हैं, मैं आपको एज अ मशीन लर्निंग टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आपको आउटपुट भी बता दिया है, इनपुट भी बता दिया, लेकिन रूल नहीं बताया। मान रहे हैं ना इस बात को आप, सब अग्री है ना? मैंने किसी को भी रूल नहीं बताया इस ऑनलाइन क्लास में, रिकॉर्डिंग भी हो रही है किसी, लेकिन मैंने इनपुट आप रूल आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो मुझे पता है और ये सबको पता होगा कि आप जो है वो आप रूल निकाल लेते हैं। यस सर, अभी तक शेयर नहीं हुआ मेरा हाल है। नहीं नहीं मेरे साथ, अच्छा मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने किसी इंडिविजुअल को ना शेयर कर दिया सर। हो गया, हो गया सर, हमने तो डाउन सेव कर लिए। हाँ जल्दी से व्हाट्सएप भी कांड शेयर कर देगा, व्हाट्सएप भी कांड ली भाई, कोई जो है ना वो डेटा डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। सर मशीन लर्निंग तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे बेस करती है, और डीप लर्निंग जो है बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस करती है, उस पर बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स वगैरह नहीं पढ़े जाते। तो हमारा फोकस बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छे सवाल कर लिया आपने, मैं आपको इस सवाल के जवाब का बिल्कुल आपको देता हूँ इसका जवाब। अगर आप देखें यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि ये अक्सर लोगों से कहा जाता है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू यार। अब आप देखें यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा होता है न्यूरल नेटवर्क जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है एक ही एल्गोरिथम है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक एल्गोरिथम नहीं है बल्कि एक रेंज ऑफ एल्गोरिथम है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ है, फीड फॉरवर्ड, रेडियल बेसिस, डीप फीड फॉरवर्ड, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी, गेटेड रिकरेंट, ऑटो इनकोडर, वेरिएशनल, डीनोइजिंग, स्पार्स, मार्कोव चेंज, हम फील्ड नेटवर्क, वोल्ट्स ह्यूमन, रिस्ट्रिक्टेड डीएम, डीप बिलीफ नेटवर्क, डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क,
पी कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये सारे के सारे मौजूद है। मतलब इतने आपको, अगर आप बाकी जो एल्गोरिथम ढूंढे, अगर आप मशीन लर्निंग के जो बाकी एल्गोरिथम ढूंढेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मशीन लर्निंग से ये अप्रोच है, असल में ये एक तरीका है जिसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आपको बेशुमार तरीके मिलेंगे, लेकिन इनका तरीका सेम है कि आप एक इनपुट लेते हैं, उस पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि जो भी एल्गोरिथम्स हैं, क्या हम मशीन लर्निंग की भी एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे और न्यूरल नेटवर्क के भी एल्गोरिथम्स को साथ साथ स्टडी करेंगे, या फोकस हम सिर्फ और सिर्फ डीप नेटवर्क? हम डीप पे करेंगे, क्योंकि अब जो है वो हम ज्यादातर लोग यही काम ऐसे ही करते हैं। मेरे पास अगर सर ये क्या बात सही है कि हर प्रॉब्लम जो है डीप लर्निंग से या मशीन लर्निंग से नहीं सॉल्व हो सकती? कुछ में मशीन लर्निंग सक्सेसफुल होती है, कुछ के लिए डीप लर्निंग फिजिबल होती है। मैं वही आपको बताना चाह रहा था, अगर जब आप इसकी अप्रोच समझ लेंगे, मैं उस जगह पे जाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे वो जगह मिल जाती है तो आपका काम जो है वो जरा काफी अच्छा हो जाएगा। आई कुड एक्सप्लेन यू वेरी वेल। देखिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ, आप इसको खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर और भी जो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं, और इस किताब में भी उसके सारे जवाब दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है नजर। यस सर, आ रही है। अमनान बड़े अबू से बात करो, क्या मसला है उनको? अब देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर जो अप्रोच है वो क्या है, ये लॉगिस्टिक रिग्रेशन है, उन बंद हो गया तो वालों पर। ठीक है, इसमें लॉगिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो A1, A2, A3, A4 और ऐसे बहुत सारे डेटा है आपके पास, मिसाल के तौर पर 50 डेटा है, आप 50 डेटा के ऊपर लॉगिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन अप्लाई करते हैं। लॉगिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन अप्लाई करने के बाद आप जो है वो एक प्रिडिक्शन जो है वो जनरेट कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, लॉजिस्टिक क्लासिफायर का फंक्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आप यही करेंगे। न्यूरल नेटवर्क पे क्या करेंगे? यही करेंगे। न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, ये पीला वाला, यहाँ पे भी पीला वाला बना हुआ है, और इस पीले वाले के अंदर मैं यहाँ पर X1 से लेकर 50 वैल्यू दे रहा हूँ, और 50 वैल्यू देने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको आगे एक प्रिडिक्शन दे दूंगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि मैं न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मैंने ऐसे यहाँ पर लॉजिस्टिक क्लासिफायर जो है यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितने हैं? 4 है, मल्टीपल है, 4 है। अब उससे क्या होगा कि मैं अपने लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पर बीच में फंक्शन के पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है मैंने कोई रेंज जो है वो ज्यादा दी हुई है, यहाँ पर कम दे दूं, फिर इससे कम दे दूं, तो डिफरेंट रेंजेस के साथ मैं डेटा प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो आगे जाकर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आगे जाके प्रोसेस करूंगा, और आगे जाके प्रोसेस करने के बाद आखिरी के अंदर दोबारा जो है मैं इसके ऊपर लॉजिस्टिक क्लासिफायर लगाकर और फिर प्रोसेस कर लूंगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर भी मैं फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शन में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, और मैथमेटिकल फंक्शन में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर 4 मरतबा लगा रहा हूँ, और यहाँ पर 1 मरतबा लगा रहा हूँ, 5 मरतबा लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 मरतबा। तो अब आपको फर्क नजर आ रहा है कि न्यूरल नेटवर्क वही वाला काम ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और मैथ सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्कूल में मैथ सीखते हैं, उसके बाद कोचिंग में आपके घर वाले भिजा देते हैं, फिर वहां पर भी मैथ सीखते हैं आप, उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपने दोस्त से भी मैथ सीखते हैं,
और उसके बाद क्योंकि आपके अब्बा भी जो है वो मैथमेटिक्स के शौकीन है, वो आपको अलग से मैथ पढ़ाते हैं, तो आप मुझे बताएं मैथ के क्वेश्चन एक ही है और स्टूडेंट भी एक ही है लेकिन उसको चार अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, तो अब आपके ख्याल में कौन सी वाली अप्रोच बेहतर है? सर जो ज्यादा असातिज़ा से पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप लोग थोड़ा संडे वाली जो क्लास है ना, आप लोग सैटरडे वाली वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि सैटरडे वाली क्लास के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं करते। एक बंदे ने वहाँ पे सवाल किया मुझे सैटरडे में और उसने कहा कि सर अगर मैं यहीं पे लूप बनाकर इसको चार मरतबा चला दूं तो बराबर हो गया ना, राइट और रॉन्ग? सर सही बराबर तो नहीं कहेंगे, रॉन्ग है सर, क्योंकि सिनेरियो जो लूप है उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है ना। मैं सिनेरियो इसमें चेंज करके मतलब इसकी इसी चीज को मैं चार मरतबा सिनेरियो जो है वो करके चला दूं तब तो बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात ये, लेकिन जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो असल में आप यही वाला काम कर रहे हैं, यानी आपने एक लूप बनाया और लूप बनाने के बाद उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो के साथ या इसी फंक्शन को चार मरतबा चला दिया तो आप असल में न्यूरल नेटवर्क ही करा दें। बस फर्क यह है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो अप्रोच है कि उसके अंदर आपने चार फंक्शन कराए तो उसके अंदर उन्होंने जो लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट की गई है वो ऐसी की गई है, शुरू में बिल्कुल ऐसे ही किया गया होगा कि चार लूप ही बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा हो गया है कि अब आप GPU CPU अच्छे अवेलेबल है तो आप ये काम पैरेलल भी करा सकते हैं, यानी आपके एक थ्रेड के ऊपर ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा, एक थ्रेड के ऊपर ये वाला, एक कोर के ऊपर ये वाला और एक कोर के ऊपर ये वाला, लेकिन टेक्निक जो है वो यहाँ पर भी यही है यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो है वो कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो है वो बार बार चलाएंगे तो असल में हम किसके ऊपर आ गए, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। हम फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं ना न्यूरल नेटवर्क पे, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स हर न्यूरॉन्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लूप चलाते हुए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरा ये सवाल है कि अगर मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन में मैंने इसको चलाया, उसके बाद मैंने इसके फैक्टर चेंज किए, फिर चलाया, फिर मैंने फैक्टर चेंज किए, फिर चलाया और चार मरतबा ऐसा किया, तो सर, मैं जो काम कर रहा तो वो यही वाला हो गया ना फिर तो। सर लेकिन वो चार लूप हो गए ना, वो चार लूप हो गए, जब आप एक हर दफा फैक्टर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप चार डिफरेंट लूप क्रिएट कर रहे हैं विद ईच डिफरेंट। अच्छा मजे की बात है यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, तो बेसिकली तो आप ये कर रहे हैं पर ये साइमल्टेनियस में कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं x1 x2 x3 4 की जो मल्टीपल कोरिलेशंस बनती है डेटा की आपस में, आप उसमें जो न्यूरल में आके हर एक की कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं और जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी कोरिलेशन वही आपका आंसर आएगा उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेक्निकली तौर पे मैं देखूं तो मेरी जो न्यूरल नेटवर्क है और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, मल्टी लेयर्ड है वो सिंगल लेयर्ड है। तो डीप लर्निंग ये कहना चाह रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग में भी हो रही है, न्यूरल नेटवर्क में मुख्तलिफ तरीके से हो रही है, वो दोनों मुख्तलिफ तरीके से नहीं हो रही, उसी तरीके से हो रही है लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मेरा सवाल ये है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, हर मर्तबा कॉन्फिगरेशन चेंज कर देता हूं, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो इसमें लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से देखें कंपैरेटिवली लिटिल मैथमेटिकल थ्योरी टू लिटिल एंड इंजीनियरिंग ओरिएंटेड, अब इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज है यहां पर आपको जितने भी आपके सवाल है ना, जितने सवाल है जो मुझसे पूछ रहे हैं वो इस किताब के इस चैप्टर में मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपसे सवाल करता है कि यार जो आप चीजें करते हो वो तो स्टैट्स में भी है, सही है, तो आप इसमें देखें इसका जवाब भी, इट हैज क्विकली बिकम मोस्ट पॉपुलर, यहाँ मशीन लर्निंग इज टाइटली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स स्टैटिक्स बट इट डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज, अनलाइक स्टैटिक्स मशीन लर्निंग टेंड टू डील विद द लार्ज complex data set such as a data set of million images each consists of 10 of thousands of pixels for which classical statistical analysis sir is bayesian analysis ye statistical analysis hai yahan par impractical ho jata hai kyun kyunki aapke paas jo hai wo billion of images hai aur uske andar thousands of pixels hai ab yahan par ye wala bayesian analysis aapko information dena chhod dega to yahan par jo hai wo machine learning jo hai kyunki wo repeatedly kaam kar rahi hai एक ही काम को बार बार रिपीट कर करके कर रहा है तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो आपके पास अच्छा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इसी तरह इसके बारे में ये भी आपने डिटेल लिखा हुआ है कि भाई डीप डेटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनपुट डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है, एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है, वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज गोइंग गुड जॉब, ये देख रहे हैं आप, ये तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है, हमारे पास क्या है इनपुट और आउटपुट,
लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे हम पता लगाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका न्यूरल नेटवर्क 4 मरतबा चल रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो आपको देखना है कि यार आपके पास कोई तरीका हो जिससे लगे कि यार आपका जो मशीन लर्निंग है वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एक तरीका जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर जैसे मैंने आपको ये काम दिया कि यार आप जो है वो मुझे बताइएगा अगली क्लास के अंदर कि जी लोन देने का फंक्शन या फार्मूला क्या होगा, अगली क्लास में बताइएगा, स्लैक के ऊपर शेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे, सही है। अगली क्लास के अंदर आप मुझे बताएंगे कि इसका रूल या फंक्शन क्या बनता है। अब मैं चेक करूंगा कि आपके रूल के ऊपर मैं टेस्ट करूंगा 10 वैल्यू को, और 10 वैल्यू में देखा कि भाई मुझे जो है वो नवीद का जो रूल है उसमें 10 में से 5 उसने सही बताया और 5 गलत बता दिया। इसका मतलब है नवीद ने जो मुझे रूल बना के निकाला है वो 50% एक्यूरेसी। इसके अलावा किसी ने और ने मुझे सॉल्व किया, विनीश ने मुझे बता दिया, उसकी एक्यूरेसी 90% है क्योंकि 10 में से 9 में लेकर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि विनीश ने जो मुझे रूल बना के दिया है इस डेटा में से वो ज्यादा बेहतर है और नवीद का कम बेहतर है। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये वाली चीज जो है इसको हम कहेंगे ये वेजन। खैर आप लोगों को ये रूल मैनुअल नहीं बनाने, बाद में आप खुद ही कर लेंगे, मतलब मशीन ही करके देगी, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। तो वैसे टास्क के तौर पे हमें ये चैप्टर 1 पूरा गो थ्रू होना है, बिल्कुल गो थ्रू करना है, इसको पढ़ना है। जैसे आज देखें आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रांसफॉर्म इट्स इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट, अब प्रोसेस इज कॉल्ड लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर। अब आपको ये सब चीजें पता लग जाएंगी, लर्निंग क्या होती है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसफॉर्म डेटा मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, ठीक है, यूजफुल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, गो एनी फर्दर व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, ये सब कहानियां जो है वो आपको पता लगेगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीजें है। अब मैं इसमें से एक चीज के ऊपर आपको बताऊंगा आगे ले जाकर, मैं वापिस आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ ऑटोमेटिकली फाइंडिंग सच ट्रांसफॉर्मेशन that turn data into more useful representation for the given task. ये देख रहे हो? More useful representation. This operation can be coordinate changes as you saw or linear projection which may be destroy information, translation, non-linear operation, select all points better than this one and so on. Machine learning are usually creative. ये देख लीजिएगा, are usually creative in finding these transformations. They are merely searching. जिसके लिए आपके पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक एक दुकान पे जाना है, ये एक ऑपरेशन है, सही है। आपको जाकर पूछना है कि भाई ये क्या रेट है। आप में से एक बंदे ने कहा मैं बाहर जाके दुकान पे बाहर देखूंगा, पहले बाहर देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो अंदर जाऊंगा, ये आप ऑपरेशन है। इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस स्पेस, दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग टेक्निकली सर्चिंग फॉर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इनपुट डेटा विद इन प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज यूजिंग गाइडेंस फ्रॉम फीडबैक सिग्नल, सही है। This simple idea allowed for solving remarkably broad range of intellectual tasks from speech recognition to autonomous car driving. ये बता रहे हैं कि जो सर्चिंग अगर आपने अच्छी करना शुरू कर दी तो आपको बड़ा फायदा होता है, ठीक है। अब एक बंदा है वो हर वक्त शॉपिंग मॉल में घूमता रहता है, तो उसको सबसे ज्यादा अच्छे रेट पता होते हैं ना। हम उससे पूछते हैं, हाँ भाई ये मुझे बताओ यार सेलफोन चाहिए यार कहाँ से मिलेगा, वो बोलेगा फिर फला जगह चले जाओ फला बंदे के पास। ये जो फला बंदे के पास फला मॉल में वो भेज रहा है वो क्या है, उसकी लर्निंग है, ठीक है। अब मैं आखिरी के अंदर एक चीज बताकर आपको ये समझाने के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं इस पेज के ऊपर आ रहा हूँ, पेज 7 पर। वो ये कह रहा है कि भाई आपको ये व्हाइट डॉट्स है और ये ब्लैक डॉट है, आपको दोनों को अलग अलग करना है, आपको बताना है कि कौन सा, अगर कोई भी मैं आपको लोकेशन दू, कोई भी कोऑर्डिनेट दू आपको, कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये वाई है और ये एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो वो आप मुझे बताएंगे कि वो डॉट ब्लैक है या वाइट है। मिसाल के तौर पर इसकी बात करते हैं, ये जो मेरे कर्सर जहां पे मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये एक वाइट है, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि यार ये जो
एक्स के ऊपर वन और जीरो के ऊपर जो है वो तकरीबन जीरो के पास जो है ये वाइट है, सही है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक्स के ऊपर फोर और वाइट के वाई के ऊपर वन, ये भी वाइट है, ठीक है। लेकिन एक्स के ऊपर जो है वो टू और वाई के ऊपर जो है वो टू, वो ब्लैक है। फिर एक्स के ऊपर जो है वो थ्री, एक्स के ऊपर जो है वो थ्री और वाई के ऊपर टू जो है वो ब्लैक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस लर्निंग से ये समझ लेंगे कि अगर आपको उसके बाद कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जाए तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि यार ये वाला डॉट ब्लैक होगा, यानी इस लोकेशन के ऊपर डॉट ब्लैक होगा या वाइट होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है तो मुझे बता दे, नहीं है तो पूछ ले। समझ में आई है, आ गई है, ठीक है। लेकिन लेकिन रिक्वेस्ट चोले कहता है कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। इसकी ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका ये भी हो सकता था जो इसमें यहाँ पे दिया हुआ भी है, लेकिन मैं इसलिए बार बार आपको किताब से पढ़ा रहा हूँ, किताब में हर चीज लिखी हुई है, कि वो ये कह रहा है कि भाई आप कैसा करो कि आपने यहाँ पर एक लकीर खींच ली, सही है। हम ये देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक लकीर खींची जा सकती है, यस या नो, है ना। तो वो लकीर हमने खींच ली यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर से नीचे आ रही है ना। आप देखें इसमें लेफ्ट के ऊपर जो है वो इस लकीर के लेफ्ट के ऊपर जो है वो व्हाइट हो गए और राइट के ऊपर ब्लैक हो गए। यहाँ पर राइट है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत करीब में रहना है क्योंकि अगर जो डॉट्स हैं ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसी डॉट ही समझे, लेकिन यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई की, और वो मैथमेटिक्स क्या है, मैंने इसके ऊपर एक और लकीर लगा दी जो इसको 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, सही है। यहाँ तक किसी को बात समझ में नहीं है तो पूछ ले, समझ आई है सर। और उसके बाद मेरा अभी देखो ये ओरिजिन जो है जिसको मैं जीरो कह रहा हूँ ना, जहाँ पर वाई भी जीरो है और एक्स भी जीरो है, इसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। मैंने क्या किया कि बजाय ये, अब मैं गौर से सुनना भाई, मैं आप बेसिकली आपने इसको डिवाइड किया दो पोर्शंस में, तो ये थर्ड जो 90 पे आपने कोऑर्डिनेट किया है। अच्छा मेरे पहली बात सुन लो, मैंने क्या किया कि मेरे पास ये यहाँ पर मौजूद था, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है। मैंने क्या किया यहाँ पर एक लकीर लगाई, उसको मैंने एक और जगह से कट किया, ठीक है। कट मैं यहाँ पे भी कर दूं यहाँ पे भी कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कट करने के बाद जहाँ पर दोनों जो लाइनें कट कर रही थी उसको मैंने ओरिजिन बिलीव रिज्यूम कर लिया, बजाय ये कि मैंने ओरिजिन यहाँ पे रखना था, मैंने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अब मेरा ओरिजिन जो है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिन लगा दिया। तो मैंने जब यहाँ पे ओरिजिन लगा दिया तो मेरे पास नया शेप जो है ये वाला आ गया। अब इसके अंदर जो है मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई को देखना ही नहीं है, ये वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं देखनी, मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे देखना है। और वो क्या है कि अगर कहीं पर भी एक्स जीरो से बड़ा हो वो ब्लैक होगा और एक्स जीरो से छोटा होगा वो वाइट होगा। तो मैंने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आसान कर लिया, पहले भी मैं ढूंढ सकता था लेकिन पहले मुझे बार बार दो दो कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ रहे थे, अब मेरा कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर सेम हो गया। अब आप जो सवाल करना चाहें कर ले कि आप, और ये वाली चीज मैंने आपको समझा दी। सर ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें भी तो दो कोऑर्डिनेट प्ले कर रहे हैं। नहीं देखो इस पे कोऑर्डिनेट दो है लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि इस पे जितने भी जो है वो ब्लैक डॉट है वो वाई के ऊपर कहीं पर भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। अगर मैं एक्स जीरो से बड़ा है, हाँ सर ये तो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हमने कैलकुलस वगैरह में पढ़ी हुई है, थोड़ी पढ़ी है ना, अब वो सब तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये, हाँ लेकिन अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर भी ये जो ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये वाली भी, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के अंदर मुझे क्लासिफिकेशन करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट को समझना पड़ता है कि भाई ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स यहाँ पर होगा और वाई यहाँ पर होगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये ब्लैक है या वाइट है, जबकि यहाँ पर क्या है कि मैं वाई को कंसिडर नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ एक्स के ऊपर ही डिसीजन ले लेता हूँ। सही सिंपल सिंपल हो गई बात, सिंपल हो गई है बिल्कुल।
तो ये चीज जो है आपके लिए मशीन लर्निंग जो है वो आपको करके ही दे सकती है। आप मशीन लर्निंग जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर से वो जब अभी तो आप लोग सीखेंगे, अभी देखिए अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आपको अगले 6 महीने तक मशीन लर्निंग ही सीखनी है। तो आप जब 6 महीने के बाद ये वाली किताब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये किताब में ये वाली बिट का मतलब ये था, अभी समझ में नहीं आ रहा, आप कोशिश करें समझने की, लेकिन कुछ चीजें समझ में ना आए तो आप छोड़ दें। सर ये जो मशीन लर्निंग कह रहे हैं बार बार, तो क्या इसका मतलब, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब हम डीप लर्निंग ले भी लें या मशीन लर्निंग ही लें? क्योंकि हम डीप लर्निंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं डीप लर्निंग की बात करता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूँ, एल्गोरिथम्स सेट ऑफ एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो वो कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है, वो इसमें लिखा हुआ भी है, उसको थोड़ा सा आप नीचे चले जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो शायद ऊपर चला गया है, तो सर मशीन लर्निंग ही है, उसका आगे हाई लेवल है। हाँ, अब इसके अंदर आप इस किताब के इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अलावा भी और भी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम मशीन, तो अगर मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूँ तो उस पे न्यूरल नेटवर्क में शायद फिर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जब हम एल्गोरिथम्स की बात करें तो वो मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, और जब ग्रुप ऑफ एल्गोरिथम इकट्ठे होकर चलें तो फिर उसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कह देंगे। बस ये है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एल्गोरिथम्स है, अलग टाइप है। अब इसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स है जो और भी मौजूद है। ये सब चीजें इस पे लिखी गई है, आपको बताएगा कि इनके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर क्या क्या फर्क है, तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो बता रहा है। अब हमारे साथ मसला ये है कि जब हम डीप लर्निंग में काम करते हैं तो हम न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथम जो है वो बोले हुए, जो यहाँ पर 1-4 के अंदर सब चीजें बताई है, इसको कंपेयर भी किया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे डीप लर्निंग करते वक्त कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उस किताब का चैप्टर 1 ही नहीं पढ़ते। सर ये जो अभी हमने पहले अभी ग्राफ जो किया था उसमें जो हमने x का निकाला कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ये हमारे पास एक किस्म का रूल आ गया ना कि हमने अपने डेटा को देखकर रूल बना लिया, सही है। अच्छा आप इसके अंदर देखें, जैसे ये बता रहा है डिसीजन ट्री आर दे आर इजी टू विजुलाइज, डिसीजन ट्री डेटा रिसीव लेस प्रेडिक्टिंग। अब इसके अंदर देखें द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस अ रोबस्ट प्रैक्टिकल टेक ऑन द डिसीजन ट्री इन्वॉल्विंग बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड डिसीजन ट्रीज, क्या देख रहे हैं, एंड देन असेंबलिंग देयर आउटपुट। यानी कि रैंडम फॉरेस्ट जो है वो वही वाला काम कर रहा है जो हम न्यूरल नेटवर्क से लेते हैं, वो क्या करता है बजाय ये कि एक डिसीजन ट्री के ऊपर काम करे वो बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाता है और उनमें से आउटपुट निकाल लेता है। सर ये जो न्यूरल नेटवर्क्स पे जो हमने अभी पीछे भी जो डायग्राम देखी थी उसमें जो रिपीटेशन हो रही थी जो एक ही, क्या वो हम फार्मूला जो लगा रहे थे या क्लासिफायर जो लगा रहे थे वो हम एक ही लगा रहे थे और वो रिपीटेडली लगा रहे थे, या हम उसमें अलग-अलग लगा सकते हैं, ये सब चीजें हम आप आगे पढ़ेंगे, डीप लर्निंग की सब चीजें पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर इसी तरह डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद फिर आपको कवर आउट करना, ठीक है जी। क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम क्लास ऑफ करते हैं। सर जो लास्ट जो आपने फाइल दी है हमें सैंपलिंग की, उसमें कॉलम कौन सा देखना है, रिजल्ट वाला वाई को देखना है या लॉन का कॉलम देखना है? वाई का, वाई लॉन देना है या नहीं देना है, यस या नो? ये तो सारा देखेंगे सर, क्योंकि लॉन का एक अलग कॉलम भी बना हुआ है उसमें, इसका मतलब है वो लॉन पहले उसको दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं क्लासिफायर, तो मेरा जो क्लासिफायर है पहली चीज है कि लॉजिस्टिक क्लासिफायर क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज आती है उसमें, और जो न्यूरल नेटवर्क के क्लासिफायर हैं ये भी लॉजिस्टिक क्लासिफायर होता है, ये सब जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, आखिरी नहीं है, सही, ठीक है, चलो सही है। फिर सर जो सर एक्सक्यूज मी सर, सर लास्ट मंडे को जो लेक्चर हुआ था वो ड्राइव पे अपलोड किया था आपने?
हाँ मैंने कर दिया था, और अगर नहीं कर सका तो मैं आज कर दूंगा अभी, ठीक है? मुझे ये रात दिला दे रहा है। नहीं, यार वो लिंक कोई आपस में शेयर कर लीजिएगा आप लोग, या तो आप लोग मुझे सारे काम छुड़वा कर, एक मेरा काम यही लगा दो ना कि मैं हर रोज जो है वो सुबह सुबह जो है वो उठकर और सारे काम छोड़कर आप लोगों के लिए लिंक दोबारा शेयर कर दूं। आप लोग आपस में डिस्कस करके शेयर कर लिया करें यार।